पिक्चर। ए क्या बे, यहाँ के हीरोगिरी झाड़ने का बहुत शौक चढ़ा है, क्या मामला है मुझे बता। तू जानता है इसने क्या किया? क्या किया? पहले तो हमारी इलाके की लड़की से प्यार किया, अब शादी किसी और से कर रहा है। यहाँ आराम से बैठ कर मच्छी बेच रहा है, हम लोग चुपचाप बैठे रहे क्या? मैं तो सोचता था सीधा साधा लड़का है। सत्या सच बोल रहे हैं? ये लोग बकवास कर रहे हैं, मैं इन्हें जानता भी नहीं। वो लड़की कहाँ है? गाड़ी में। ए लेके आओ उसे। ए यहाँ नहीं, धंधे की जगह पे नहीं, चलो चलो बाहर चलो। ए बाहर निकल। देखो बहन, इसे अच्छे से देखो और बताओ कि यही लड़का है। देखो याद रखना, सिर्फ तुम्हारी नहीं इसकी जिंदगी का भी सवाल है। इस लड़के की शादी तय हो चुकी है, शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं। तुम्हारी खामोशी की वजह से दो जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। जुबान नहीं क्या? क्या करें? ये क्या लफड़ा है सत्या? ए, ये लोग और किसी का बिल मेरे भाई पे फाड़ रहे हैं। ए, तू चुप कर। आज तुम उन लोगों का खून बहाओगे, कल वो तुम लोगों का खून बहाएंगे। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ मछलियों का नहीं इंसान का खून बहने लगेगा। इसे यहाँ से लेके जा और ठंडे दिमाग से समझा। ए, हट, हटना। क्या स्टाइल है मेरे बेटे, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे लाल। तुझे देख के मुझे अपने कॉलेज का रंगीन जमाना याद आ गया। क्या दिन थे जब मैं जवान हुआ करता था। तुझ में मेरा खून नहीं, मेरी खूबसूरती भी दौड़ती है। क्यों बिन भारे के गले पड़ रहे हो? इस कॉस्ट्यूम में तुम राजा नहीं कंगू तेली लगते हो। तलवार लेकर प्यार की झप्पी दोगे तो फेफड़े राइट में गिरेंगे और कलेजा तुम्हारी गोद में। बेटा मैं तेरा सगा बाप हूँ, मुझे प्यार तो करने दे। पर व्यवहार तुम्हारा सौतेलो जैसा है। बचपन मेरा जमीन पे बीता, मुझे कभी झूला नहीं दिलाया। हीरे की अंगूठी, सोने की चेन, लेदर जैकेट, फैंसी चड्डी तक नहीं दिलाई। रोज अपने दुकान के मैले गंदे कपड़े पहना कर मुझे रेस कोर्स तक परेड करवाई। बचपन में गलती से एक दो बार मुझे टकले पर बिठाया लेकिन मैं स्लिप हो गया। मैं अंधा होते होते बचा आपकी वजह से बापू, आपकी वजह से। भाई आपके नौटंकी बाप के कपड़े पहन के जो नौटंकी की थी ना, अपने कॉलेज के फंटर लोगों को लड़कियां पटाने के लिए वही कपड़े चाहिए। ये देख एडवांस भी मिल गया है, 50% अपन का। मेरे लाल अब समझा मैं तुझे जोकर बना के क्यों घुमाता हूँ। मेरे शाही धंधे की पब्लिसिटी का सवाल है, वरना मैं तुझे गली गली नंगा ही घुमाऊँ। देखा मेरे टकले का कमाल। इस खोपड़ी की झोपड़ी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। चलो पीछे हटो और मेरा कमीशन मुझे दो। वहीं रुक जा नालायक। क्यों, क्या किया मैंने? मुझे कितनी बार कहा है कि मच्छी बाजार में जाने की कोई जरूरत नहीं है, पर तेरे पल्ले पड़ता ही नहीं है। पल्ले तो आपके नहीं पड़ता। अच्छा आज वहाँ तूने एक आदमी को नहीं मारा? ओह सत्या को, किसी लड़की की जिंदगी का सवाल था इसीलिए मैंने उस पर हाथ उठाया, वरना बर्बाद हो जाती। दूसरों के झमेले में तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने तुझे स्कूल भेजकर पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए वो तूने छोड़ दी। उसके बाद एक अच्छी नौकरी दिलाई पर तूने अपने मालिक से झगड़ा कर लिया और वो नौकरी भी छोड़ दी। उसे मारा क्योंकि वो लोगों को धोखा दे रहा था। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती और ना ही मछली बेचने में, कोई चोरी तो नहीं करता ना। हाँ पर वहाँ गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आता ना। तेरे से बात करना मतलब पत्थर पे सर पटकना। मेरा इस घर में रहना आपको अच्छा नहीं लगता ना? हाँ हाँ नहीं लगता। नहीं लगता ना? नहीं लगता ना? हाँ हाँ नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। तो चले जाइए इस घर से, निकल जाइए अभी के अभी। अरे सुनती हो, ये मुझसे क्या कह रहा है? अपने बाप को घर से निकालने के लिए कह रहा है? अच्छा होता तेरे पैदा होने से पहले ही मैं खुद को पंखे से लटका लेता। लटको ना, किसने रोका है? तू चाहता है मैं मर जाऊँ? ये चाहता है मैं मर जाऊँ? ये अपने बाप को मारना चाहता है? तू अपने इकलौते बाप को मारना चाहता है? अगर तेरे जैसी औलाद होना तो बाप तो बिना जहर खाए मर जाए। भगवान का शुक्र है कि मेरा दूसरा बेटा नेक है। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। घर में रहना तो ये सब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए मैं अपनी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं बिता सकता, जो सही लगता है वो करता हूँ। झुक झुक जिया बेटा। चल फट।
अरे नालायक कहीं का जा बेटा। देखो इसके पीछे पड़ा रहता है। अरे ये तुझसे पूरे 3 मिनट छोटा है लेकिन तुझसे 3 गुना ज्यादा अच्छा है। तू वकील है, मुझे देर हो जाएगी। केस कैसे लड़ेगा दूध पी? थोड़ा सा जरूरत आपको है, मेरा अच्छा दो। हाँ थोड़ा जहर भी पिला दो, नाटक ही खत्म हो जाएगा। देखा देखा क्या कह रहा है ये कभी नहीं सुधरेगा, इससे तो कोई उम्मीद नहीं है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। ये बाप नहीं मेरे नसीब का पाप है जो सुबह सुबह रेडियो की तरह शुरू हो जाता है। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, कम से कम आपके छोटे बेटे की तरह नौटंकी तो नहीं करता। गुस्सा थूक दे शिवा। संभल के चलो बेटा, गिरना नहीं है। क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं नहीं पेट्रोल तो बहुत है। वो क्या है ना, ये बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है ना, तो हो सकता है मैंने बाइक चलाई तो किसी को चोट लग जाएगी, इसीलिए मैं स्कूल से दूर जाकर ही बाइक स्टार्ट करता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तुम सच में बहुत नेक हो। अच्छा चलता हूँ। काश बचपन में मैं भी ऐसा शरीफ होता। क्या हुआ यार, नक्शा कैसे बिगड़ गया? साले को हर हफ्ते एक नई लड़की से प्यार हो जाता है। एक और कली को फूल देने गया था तो उसने गाल पे कस के कांटा चुभा दिया। क्या कहा, फूल देने गया तो कांटा चुभा दिया? अरे अगर इसकी जगह मैं होता तो चूहा मारने वाली दवा पी लेता। ओए मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि चूहों का जहर पीकर मरूं। अपनी छछुंदर जैसी 2 इंच की जबान बनकर दोस्त, मेरे जैसे आशिक मजनू सिर्फ जहर से नहीं मरते, लड़कियों के चाटे जूते और गालियां खाकर वो जीते जी मर जाते हैं। अगर वो फूल जैसी लड़की मुझे ना मिली तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। कौन है वो लड़की मुझे बता, मैं उसे कांटा चुभाऊंगा। चल। मैंने उसे कान के नीचे एक जोर से दिया। दोस्त वो जो खुले और बड़े बाल वाली है ना, वही। समझ गया, तू उसी की बात कर रहा है ना जिसका कलर तेरे कलर से मैच करता है। दोस्त उसे पटाने से अच्छा है मैं चूहे का जहर खाकर ही मर जाऊं। अरे वो जो बीच में लड़की है ना पिंक ड्रेस में भारी भरकम, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे? क्या हुआ, वो मेरी पर्सनालिटी को मैच नहीं करती क्या? नहीं यार, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं गलत लड़की से पंगा ना ले लूं। ठीक है तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। दोस्त बात करना लेकिन आराम से। क्यों बे? मारती है, मैं नहीं चाहता तेरा कौला चौथा बिगड़ जाए। ठीक है समझ गया, तुम लोग पीछे हटो मैं बात करके आता हूँ। चलो रे पंटर लो। मेरे दोस्त पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी, अभी दिखा दो। अशोक वो खाते पीते घर की लगती है, कोई गरीब घर की नहीं। उसका जोर का झटका भी बड़े जोर से पड़ता है, संभल कर। मैंने बड़े बड़ों को झटके दिए, तू बस देखता जा। एक्सक्यूज मी, आप मेरे दोस्त राहुल की बहन है ना? नहीं तो नहीं है। आप इतनी सीधी सादी लगती है और ये आपके बारे में क्या क्या कह रहा है? इसने कहा, रुको मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। ये मल्टी कलर्स तुम्हारे दोस्त हैं? जवाब दो। आपको लगता है वो मेरे दोस्त हो सकते हैं? हम अपनी बात करते हैं ना। आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी हसीन, इतनी सुंदर, लाखों में एक। आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती हैं या ये ऊपर वाले की देन है? ये साला मेरे चार्जर पे अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है। क्यों, तुमने पहले लड़की नहीं देखी क्या? आप जैसी तो कभी नहीं, पहली नजर में ही मैं आपका दीवाना हो गया। तुम जानते हो ये किसकी बेटी है? हाँ जानता हूँ, ये ब्रह्मा जी की बेटी है। ये क्या फेंक रहे हो? भगवान ब्रह्मा ने भी बाकी लड़कियों के मुकाबले आपको बनाने में ज्यादा वक्त लगाया होगा। मेरे को पहचानता है? चल छोड़। ये बता तूने झूठ बोलने में PhD कहाँ सीखी? क्या? क्योंकि वहाँ जो तूने फेंकम फाकी की वो मेरे कानपुर ने पूरी तरह सुनी। अबे शाणे क्या कहकर गया था रे मुझसे? बाबू मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। क्यों बे, लड़की देखी पलटी मारी और दोस्त को कल्टी दी। दरअसल मैं तो उसे सबक सिखाने ही गया था, पर क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी लड़की है ना, इसीलिए मैं फैसला नहीं कर पाया। सबक सिखाऊं दोस्त बनूं, सबक सिखाऊं दोस्त बनूं, इसीलिए गड़बड़ी में मेरा थोड़ा पैर फिसल गया। साला ठरकी। पप्पा कसम शादी करूंगा तो तुम्ही से। हेलो या हाय राजीव। हाँ वो मेल मिला है, मैंने पढ़ लिया है, पर मुझे और डिटेल्स चाहिए। हाँ हेलो, यस सर, ओके सर। हेलो क्या पापा आए हैं?
मैं अभी अभी तो ऑफिस आई हूँ। ठीक है, आती हूँ। अपने ऑफिस के बजाय मेरे ऑफिस में? मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। घर से मैं 8:30 बजे निकली थी, अभी 10:30 बज रहे हैं, 2 घंटे में ही आपको याद आ गई। क्या एक बाप को अपनी बेटी की याद नहीं आ सकती? ऐसी बात नहीं है, लेकिन बिना वजह आप तो कभी मंदिर भी नहीं जाते। अपनी बेटी से प्यार जो इतना करता हूँ, बस तुमसे मिलने का मन किया तो दौड़ा चला आया। जाओ, तुम्हें बहुत काम होगा बेटा, जाओ अपना काम करो। ओके, एकदम ओके। मुझे तो बहुत पसंद आई है। ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात। ठीक है, तेरे पापा यहाँ अकेले नहीं आए थे, उनके साथ एक और लड़का भी था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो अभी भी नहीं समझे, वो लड़का मुझे देखने आया था। पापा मेरी शादी करा कर ही दम लेंगे, कर भी क्या सकती हूँ। क्या हुआ, हैंगर में लटके हुए कपड़ों की तरह तुम्हारे थोबड़े क्यों लटके हुए हैं, बताओ ना। अबे साले, लगा दी ना तूने इसे अपनी बीमारी। लग गई बीमारी? हे, सुन रहा है बे, तुझे भी बीमारी लग गई? मुन्ना, जब ये हर दूसरी लड़की को पटाते फिरेगा तो इसे बीमारी लगेगी ही, लेकिन जहाँ बीमारी है तो उसका इलाज भी है। हम है ना, हम डॉक्टर बनकर तेरा इलाज करेंगे। बाबू, इसे वो बीमारी नहीं जो तू सोच रहा है, इसे तो लवेरिया हो गया है। एक दूंगा तुझे मलेरिया हो जाएगा। ये वो भौरा है जो एक फूल पर नहीं बैठता, ये तो बारी बारी अलग अलग फूलों का रस चूसता है। लव शव इसके बस की बात नहीं, उसमें मैंने PhD की है। छोड़ना, ऑर्डर मिला सर, बोलता बोलने दे। आपने ऑर्डर दिया? हाँ बोलिए। अगर मेरा दोस्त होकर ये मुझे नहीं समझ पाया तो वो अनजान लड़की मुझे क्या समझेगी। मैं लड़कियों से फ्लर्ट करता था तो बेचारी मेरे प्यार में पड़ जाती थी, और अब जब मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो वो मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही है। मैंने गायत्री को समझाने की पूरी कोशिश की पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरा प्यार झूठ लगता है, मैं उसके सच्चे प्यार में पागल हो गया हूँ। इसके प्यार में दम है रे? मुझे इस पर यकीन नहीं, ये बहरूपे की तरह भेष बदलता है। मैं पहले जैसा नहीं रहा, उसकी वजह से बदल गया। तू ऐसे कैसे बदल सकता है? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं किसी के लिए इतना बदल गया। दोस्ती की कसम खा के कहता हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तेरे को पहले कभी कसम खाते हुए तो नहीं देखा। ओके, तेरे लिए ना सही, पर दूसरी लड़कियों को तुझसे बचाने के लिए तुझे उससे मिलवाना ही पड़ेगा। अब चाहे बारिश हो या धूप निकले, तेरी जोड़ी जमेगी, ये बाबू का वादा है। ओके, भिड़ू, तू बहुत लकी है। क्यों? तेरी वाली यहाँ काम जो करती है। हाँ तो? अरे शादी के बाद अगर 34 की साइज छोटी पड़ जाए तो वो 36 के आराम से रिप्लेस करके ला सकती है। क्या कर रहा है यार, बकवास मत कर। वो कोई सेल्स गर्ल नहीं, यहाँ की मैनेजर है, यहाँ उसकी बहुत इज्जत है। हम थोड़ी इज्जत उतारने आए। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें कुछ दिला दूं? सुन, बोल। वो चल मेरे साथ आ, फॉलो मी। जरा वो दिखाइए। एक्सक्यूज मी, बोला क्या चाहिए? इसकी होने वाली घरवाली के लिए शॉपिंग करनी है। आप लोग यहाँ आ जाइए, हमें मैडम दिखा देगी ना। मैडम अभी बिजी है, मैं फ्री हूँ, क्या चाहिए आपको? ये फ्री है, आजकल मेरी भी कड़की है। तुम फ्री हो, बिल्कुल भी पैसा नहीं लोगी। आई थिंक, बोलो ना, दिस विल फिट यू। हाँ ठीक है, इसमें और कलर्स भी हैं। थोड़ा सा स्माइल कर दो, वो भी सही है। ओके, वो वाली दिखाना। ये कैसी लगी? इससे मेरा मतलब था, मैं खड़ा हूँ ना, दिख नहीं रहा हूँ। सर ये लेडी सेक्शन है, जेंट सेक्शन वहाँ ऊपर है। आप ऊपर वाली सेक्शन। अच्छा अच्छा, ये अच्छी लगी आपको? अब समझा। ये बहुत ही कंफर्टेबल है और ये बहुत अच्छी ब्रांड सेक्शन है, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों? लड़के लड़कियों के कपड़े नहीं खरीद सकते यहाँ आकर, उनकी शॉपिंग नहीं कर सकते? एक्सक्यूज मी, मेरी GF के पास कुछ पहनने को नहीं है, इनसे कहो कुछ रंग बिरंगी दिखाएं। इन्हें ब्रोशर दिखा दो। ओके मैम। चल चल, वो दिखाने को राजी हो गई है। तू देख जा। अरे क्या, तू नहीं आ रहा है, मैं अकेला देखूं? दिखाओ मैडम जी, दिखाओ। ओके, ये इन्हें पैक करके दे दो। कुछ पसंद आया? पसंद तो बहुत कुछ आया है। क्या मैं ये किताब घर ले जा सकता हूँ? मार खाओगे? मैडम देखिए, आपकी सेल्स गर्ल किस तरह कस्टमर से बदतमीजी कर रही है, मुझे कुछ देखने ही नहीं दे रही। आरती सर को जो चाहिए वो दिखा दो। पागल हो गई है। बोलो, सुना तुमने? अब भिड़ू, तुझे साइज वाइज पता है? मुझे क्या पता। नो प्रॉब्लम, वो दिखने में आपकी मैनेजर की तरह है, उसी के साइज का कुछ अच्छा दिखा दो। खड़ी क्यों, ले आओ। देना देना कुछ नहीं, बस टाइम पास। बंधु व्हाइट चलेगी? लगता नहीं व्हाइट पहनेगी। पिंक, ब्राउन, फ्लोरोसेंट, कुछ अलग अलग कलर दिखाओ ना। मल्टी कलर भी चलेगी। बिल बनवा लेता हूँ।
Is it okay? Thank you. Okay. दुनिया भर के सारे अलग अलग कलर ले लिए हैं, जल्दी से दे दे उसे। ऐसे कैसे दे दूं उसे? एक हाथ से ले, दूसरे से दे दे। अरे लड़की के कपड़े हैं, तू पहनेगा तो सूट नहीं करेंगे, उसी को अच्छे लगेंगे। दे 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 दे। Excuse me. चल कल्टी मार, ले लिया। Excuse me. बुलाया क्यों? About time. Reverse game. ये क्या है? ब्रा। उसे कह कि बर्थडे गिफ्ट है, बर्थडे विश कर, केक खिलाएगी। हैप्पी बर्थडे। इसे अपनी माँ को दे देना, ओके? लगता है आज का उसका बर्थडे हैप्पी नहीं है। तू ही पैसे। अरे रुक। अरे बहुत पैसे गए मेरे। एक सेकेंड मैडम। यस। तुम हमसे ये माल वापस खरीद सकती हो? बेचा हुआ माल वापस नहीं लेते। मर गए। मेरे पैसे लेकर ही आना। अरे सुन सुन, आप इस्तेमाल कर लीजिए। इतना पैसा क्यों वेस्ट किया? ऐसा तुमसे बढ़कर नहीं है, रख लो जानेवान। असर हुआ क्या? मोटी तो फट रही है, लेकिन मेरे घर की पलंग इतनी मजबूत नहीं है। सुनो, आज रात गोभी की सब्जी और तड़के वाली दाल बना लेना, और तेल ज्यादा डालना, तेल बहुत कम डालती हो। मोबाइल और कौन भाई, कौन, क्या बात हो, कौन है? लगता है कि तेरे जैसे चौकटे का डिजाइन पहले भी किसी अखबार में देखा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, नाम क्या है? थरकेश्वर। अबे मेरे साथ मजाक कर रहा है, दूध क्या एक लगा कर। आंटी दिए जल गए हैं, अब घर जाओ, जाओ घर जाके पति की पूजा करो, वो प्रसन्न होंगे। अरे मेरा फोटो क्यों खींच रहा है? ये भी पूजा करने आई है? अशोक कहाँ गया? तुम्हारी साधना देख के ऊपर वाले ने खुश होके तुम्हारे लिए एक सुंदर हैंडसम और एकदम चौड़ी छाती वाला वर चुना है, वो है मेरा दोस्त अशोक, बहुत ही भला लड़का है। हर फ्रेंड अपने फ्रेंड के लिए कमीना थोड़ी होता है, कोई कोई फ्रेंड अच्छे भी होते हैं, है ना मामी? मामी कुंवारे सलूमिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ है, वो तो यारों की यार है, प्यारी का प्यार है, मैं तो कहती हूँ कि वो महापुरुष। बस आपका काम हो गया, अभी उल्टी प्रदक्षिणा। सुना आपने जनरल पब्लिक के उसके बारे में रिव्यूज? आपको पूरी दुनिया में मेरे दोस्त जैसा बॉयफ्रेंड दिया अगरबत्ती मोमबत्ती लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। भाभी हाँ बोल दो ना। कन्या हंसी, मतलब देवी माँ प्रसन्न हुई ऐसा लगता है। वाह ये ब्रेकिंग न्यूज, मैं अशोक को सुनाता हूँ। दोस्त मंदिर पुजारी सब कुछ अवेलेबल है, तू कहे तो मंडप का बंदोबस्त कर दूं। क्या मौका अच्छा है, बोल्ड कर क्या? अभी ये देख, वो मुझे चावल दे के गई यार। तुझे नहीं खाना है तो मुझे दे दे, मैं दाल मिला के खा लूंगा। ये सीन आपने पिक्चर में देखा था, बोले तो लड़की आप पे फिसल गई लिए। एक काले कौवे, काव काव बनकर। फिर इसने क्यों दिया? लड़कियों की दी हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। ये देख उसने तुझे तालाब के पास मिलने बुलाया है, क्या लोकेशन है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है ना, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। सही कह रही हो, मेरी भी ऐसी हालत है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है ना। क्या मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में पकड़ूं? हे प्रभु, अगर मेरे दोस्त ने इस लड़की से शादी कर ली तो मैं नारियल लेके प्रदक्षिणा करूंगा, गोल गोल उसी नारियल को घर जाकर मिक्सर में पीसूंगा और ढोसे के साथ चट कर जाऊंगा। ओए, उन दोनों की सेटिंग कराने के लिए तू क्यों इतना उछल रहा है? अबे, उसकी भलाई में ही मेरी भलाई है। दूसरी लड़कियों को देखकर उसका दिल ना धड़के, इसलिए उसे सेट कर दिया। ये क्या, तुम्हारा हाथ इतना कांप क्यों रहा है? वो क्या है कि किसी लड़की का हाथ फर्स्ट टाइम छू रहा हूँ, डर के मारे हालत खराब हो रही है, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। मुझे तुमने यहाँ इस तरह क्यों बुलाया है, प्लीज बता दो ना प्लीज। अगर तुम कह नहीं पा रही तो इशारों से ही बता दो, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। अरे ये क्या, कोई लड़की फंसती थी तो होटल बुक होता था, भाई उसे उंगली पर नचाते थे, उधर लड़की शावर लेने गई और इधर भाई ने कल्टी मारी, वो भी पिछले रास्ते से। आज देखो कहीं हाथ नहीं लगाया, बस हाथ पे पप्पी ली। हम दोनों इसके बाद फिर कब मिलेंगे? जरा एक मिनट, ये ग्रीटिंग कार्ड एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए लाया, इसमें मेरा फोन नंबर भी लिखा है, जब चाहो कॉल कर लेना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। तो मारना चाहिए यार, तूने मेरी लाइफ बना दी, तू मेरा सच्चा दोस्त है। यही तो एक दोस्त का फर्ज था,
अशोक, आज के बाद ये लड़की रोनी नहीं चाहिए। आँख, मुंह, कान, आँख, कहीं से भी आंसू निकले वो सिर्फ खुशी के आंसू होने चाहिए। तेरे इन 3D चश्मों की कसम, हर जगह से खुशी के आंसू बहेंगे। भाई चलो इसी बात पे पार्टी हो जाए। पैसे क्या तू देगा, मैं तो पहले से ही कड़क हूं। और तुम्हारे पास? कसम से मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। ठीक है चुपचाप घर जाओ और सो जा। ए, रुकना, एक आइडिया है मेरे पास। तेरे भाई की गर्लफ्रेंड इधर पास में ही काम करती ना, हम शक्ल होने का फायदा उठा। आइडिया अच्छा है। ठीक है ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं पैसे का इंतजाम करता हूं। चलो आज का जुगाड़ हो गया। श्वेता कहाँ मिलेगी? श्वेता मैम वहाँ रिसेप्शन में पूछ लीजिए। हाँ रामलाल नाम का एक आदमी मुझे मिलने आने वाला है, उन्हें इंतजार मत करवाना। मैं अंदर बैठा हूँ, मुझे फोन कर देना। ठीक है सर। यस श्वेता, आपका नाम? शिवा। एक सेकंड। बिल्कुल टेंशन मत ले अशोक, श्वेता तुझे नहीं पहचान पाएगी। हेलो, ये श्वेता, शिवा तुझसे मिलने आया है। शिवा, ऐसा हो ही नहीं सकता, नाम क्या बताया था? शिवा, शिवा। ए, शिवा ही है उसका नाम। ठीक है फोन रखो, मैं आ रही हूँ। ओके आप बैठिए, वो आ रही है। कहीं पहचान लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे यार दारू ना सही, कम से कम चखना तो मंगवा ले। अगर मुझ गरीब को तुम लोगों ने खाना नहीं खिलाया ना तो तूफान आ जाएगा। एक्साइटेड मत हो और खर्चे मत बढ़ा अपने। वेटर बताओ तुम लोग क्या खाना चाहोगे? शिवा श्वेता मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत है, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। क्या, कैसे हुआ? उसे डॉक्टर हॉस्पिटल में ले गए हैं, उन्होंने कहा है बाद में बताऊंगा, 5,000 रुपए की जरूरत है जल्दी। अब तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पैसे लाती हूँ। ठीक है पापा कसम शादी। शिवा बहुत मारे। बाबू जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और तू नवाबों वाली डिश मंगवा रहा है। मैंने अशोक पे भरोसा करके हम सब के लिए खाने का ऑर्डर दिया है। फोन करता हूँ कहीं बर्तन ना धोने पड़ जाए। क्या हुआ बे? बापू हमने तो यहाँ लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दिया है, पैसे का बंदोबस्त तो हो जाएगा ना? काम हो जाएगा यार। हाँ डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसे लेकर पहुँच रहा हूँ, बस मेरे बच्चा बहुत जरूरी है। इसका बच्चा ऑपरेशन? मैं आ रहा हूँ डॉक्टर। हाँ कितने हैं, कितने जल्दी बताओ। 3,000 रुपए हैं। ऑपरेशन के लिए 5,000 चाहिए। ठीक है मैं कुछ। रुको रुको, ये लो इस चेन को गिरवी रख देना। हाँ ओके ठीक है, संभल के। आज तो लॉटरी निकल गई लगता है, वो दोनों हाथों से लूट रहा है। आज हम लोग पेट भरकर खाना खा सकते हैं। क्या खाओगे? वेटर शिवा अभी तो जल्दी नहीं है ना? नहीं कोई जल्दी नहीं। अब बच्चा कैसा है? क्या कह रही हो, अब तक हमारे बीच कुछ हुआ नहीं है और तुम्हें बच्चे की चिंता होने लग गई? ओए मजाक मत करो शिवा, सुबह जब तुम ऑफिस आए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ये बताओ तुमने मेरी चेन गिरवी ही रखी है ना, सैलरी मिलने के बाद मैं उसे छुड़वा लूंगी। चेन गिरवी रखती साला। क्या हुआ शिवा? कुछ नहीं, उतरो। तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी में नहीं हो। लेकिन अब मैं जल्दी में हूँ, चलो जाओ। साले चोर, तू श्वेता के ऑफिस में शिवा बनकर गया था और तूने उसकी चेन भी ले ली। ए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेरी इतनी हिम्मत, रुक। तेरी तो पता कहाँ रखी है? चेन कहाँ रखी है? चेन चेन बताता है कि नहीं? बताता हूँ मैंने उसे गिरवी रख दिया। कहाँ रखी है? देखो भैया एक बार और मारा ना तो केस कर दूंगा, वकील के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। एक तो गलती का ऊपर से वकालत झाड़ता। दर्द हो रहा है भैया। दर्द हो रहा है ना? छोड़ो ना, यही तेरी सजा है। चेन गिरवी रखी अय्याशी करते वक्त ये नहीं सोचा? तेरी कह देता हूँ भैया, एक बार और हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। आज के बाद फिर कभी उसके ऑफिस जाएगा? अब कहाँ जाएगा बच्चों? बोलना खून।
मुझ पे हाथ उठाएगा तू? तुमको बहुत हीरो समझता है ना? ए, नीचे रख उसे। भैया भैया कह रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। ए, लग जाएगी। क्यों अब बहुत डर लग रहा है तुझे? ए, एक कदम भी आगे लिया ना तो डाल दूंगा। पीछे हट, देख पंगा मत ले वरना मैं खुद को मार डालूंगा। क्या करना बेटा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है भैया? कहीं का जो मेरे इस मासूम बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आता इससे क्या दुश्मनी है तेरी? अरे मुझसे क्या बात कर रहे हो, इससे पूछो क्या ड्रामा किया इसने। अरे बेटा तेरी नाक से कितना खून निकल रहा है। मैं अपने सीनियर से केस के बारे में बात करने गया था, उसके बाद मैं सो गया। रात में सोऊंगा तभी तो कोर्ट में फ्रेश रहूंगा ना, लेकिन तभी भैया आ गए और मैं जल्दी सो गया इसलिए मुझे मारने लग गए। ये जब चाहे पढ़ेगा और जब चाहे सोएगा। तू जा यहाँ से मेरा प्यारा बच्चा। अरे आप नहीं जानते आपके लाडले बेटे ने क्या गोल खिलाए। मुझे जानना भी नहीं है, वो तेरे जैसा गुंडा नहीं है। कहने को तो हमारे बाप बने फिरते हैं, खोटे और खरे की पहचान करनी भी नहीं आती है आपको। ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन आपको ले डूबेगा। जाओ जा जा, तू जा निकम्मे, मैं सब समझता हूँ। मच्छी मार्केट में मच्छियाँ बेचते बेचते पूरा गुंडा हो गया है वो। दर्द हो रहा है बेटा। भैया को मत डांटो, हो सकता है उन्हें किसी बात का टेंशन हो। वाह, जितने पैर दबाने दबा लो, एक दिन अपने हाथों से आपका गला दबाएगा ना तब समझ में आएगा आपको। हाँ हाँ, कौन गला दबाएगा कौन पैर दबाएगा मैं जानता हूँ। आराम से सो जा मेरे बच्चे। फोटो देखे बिना नींद कैसे आएगी? आएगी नींद मुझे। क्या बात है शिवा? ए, कल मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मुझे 20 सड़क पर छोड़कर चले गए थे? देखो श्वेता, अगर मैं कभी तुम्हारे ऑफिस में अचानक आ टपकूं और तुमसे पैसे मांगूं तो मुझे पैसे मत देना। क्यों, मैंने गलत किया? गलत सही छोड़ो, बस मेरी बात याद रखो। हा? रुको शिवा, मुझे लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारी जरूरत पर मैं काम आऊंगी और मेरी जरूरत पर तुम। हमने ऐसा ही कुछ वादा किया था ना? ए, तुम बेवकूफ लड़की हो। कल तुम्हारे ऑफिस में आकर मैंने चेन नहीं ली, वो मेरा भाई था। मैं समझ गई थी, मुझे शक हो गया था, मुझे पता था कि वो तुम नहीं तुम्हारा भाई है। अगर पता होता तो पैसे देने से पहले मुझे फोन नहीं करती, इस तरह उल्लू नहीं बनती तुम। खैर छोड़ो, अब वो तुम्हारे ऑफिस नहीं आएगा, पर होशियार रहना। तुम्हारी फैमिली तो सुपर खतरनाक है। मेरी पूरी फैमिली तो नहीं, मेरा छोटा भाई थोड़ा शैतान। भाई साहब, कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि बानू को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, कोई खबर आई? कहा है अगले हफ्ते आने वाले हैं। लड़का बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, रिया का रिश्ता हो जाए तो अच्छा है। एक बात बताइए, ये दुकान पर कौन बैठे? आपका बड़ा बेटा है क्या? मजाक मत करो भाई, उसके भरोसे दुकान छोड़ी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक पैसे की चीज बेचेगा नहीं और गुंडागर्दी शुरू कर देगा। ये मेरा छोटा बेटा है। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वकील होने के बावजूद तुम दुकान पर क्यों आते हो, तो वो बोला आपने इसी दुकान की कमाई से पढ़ा लिखा कर मुझे वकील बनाया। ये कितने का दिया भाई साहब? 150 रुपए किलो। महंगा है। क्या हेल्प करूं आपकी? आपके पास सिंगा है क्या? सिंगा? सिंगा चाहिए आपको? ये देखिए, एकदम हरा भरा और आपकी तरह फ्रेश है। बैंगन कितने का दिया? ये बैंगन खराब है, फेंकने का है रे, चल जागे। आप बताइए आपको कितने सिंगा दूं? मेरे ख्याल से 10 रुपए की बहुत हो जाएगी। अब भी देखा। ये टमाटर कैसे दिए? आपके लिए सिंगे के साथ टमाटर फ्री। आप इतनी गर्मी में क्यों निकली हैं? आप कह देती तो मैं होम डिलीवरी कर देता। मैं यही पास में रहती हूँ, गीता नगर में। तुम चाहो तो डिलीवरी दे सकते हो। आप गीता नगर में रहती हैं? देखा देखा तुमने मेरा काबिल बेटा कैसे ग्राहकों को संभालता है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ बोलूं? बुरा क्यों लगेगा, बिंदास बोलो। आप ये साड़ी, ये मैचिंग ब्लाउज बहुत सुपर्ब है। आपके ब्लाउज का डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है, आप काफी सुंदर है। थैंक्स। आपको टमाटर लेने थे ना? हाँ? देता हूँ ना, बिल्कुल आप ही की तरह फ्रेश है टमाटर। आइए बैग दीजिए। अब बताओ कितने दूं? अरे आप क्यों देंगी, पैसे कौन से भागे जा रहे हैं आप बाद? नहीं, मैं किसी का उधार नहीं रखती, जितना चाहिए ले लो। ओ, ऐसी बात है तो जल्दी दे दो, मैं तो आपसे अपना रिश्ता बढ़ाना चाहता हूँ। अरे हाँ, तुम्हारी बेटी भी 12वीं में है ना? हा? मेरे बेटे के पास ट्यूशन के लिए भेजा करो, वो दिमाग से एकदम तेज बना दे। हाँ, भेजूंगा। माय नेम इज भिल्ला।
की रिंग में फोन उठा लिया? असल में कोई घर पर जब होता है तो मैं फोन नहीं उठाती हूँ, आज कोई नहीं है इसलिए उठाया। क्या कह रही हो, घर पर कोई नहीं है? मम्मी पापा एक शादी के लिए बाहर गए हुए हैं, वो कल सुबह लौटेंगे। चांस पे डांस करना पड़ेगा। आज ये इतना फोन क्यों कर रहा है? कुछ तो दाल में काला है। हेलो। हेलो, ये जानू, मैं बोल रहा हूँ। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं सो रही थी। क्या, सो रही थी? झूठी, बताती क्यों नहीं टीवी पर कमला सन का डांस देख रही थी? ए, तुम्हें कैसे पता कि मैं टीवी देख रही हूँ? क्योंकि जानू तुम्हारा टीवी मैं भी देख रहा हूँ। अरे अशोक, तुम इतनी देर रात को यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो कहा तुम घर पर अकेली हो, मैं भी अकेला था तो मैंने सोचा चलो तुमसे आकर मिल लेता हूँ। यहाँ आकर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? तुम ऊपर कैसे आ गए? पाइप से चढ़ के आया। अरे ये करने की क्या जरूरत थी, अगर कुछ हो जाता तो? पाइप का तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें प्रॉब्लम है तो बोल दो। अगर यहाँ रहे तो प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी, अभी जाओ कल सुबह मिलते हैं। ओके ओके, सी यू। जाओ ना, गुड नाइट, बाय बाय। क्या हुआ? पानी, पानी। हाँ लाती हूँ। पप्पा कसम, आज तो शादी हो कर रहेगी। ये तो, अरे कैसे तू? जल्दी दो गायत्री, सीने में दर्द हो रहा है। ये लो पानी, जल्दी पियो ना, जल्दी करो ना अशोक। अशोक कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा, प्लीज जाओ यहाँ से। ए, वैसे एक बात तुमने सही कही, बाहर से हमें कोई देख तो रहा था। देखो देखो देखो, मर गए। अशोक जल्दी जाओ यहाँ से। अरे यहाँ बैठो तो सही। क्या है? अब तुम्हारे मम्मी डैडी कल सुबह आने वाले हैं ना, और अब दरवाजे भी लॉक हो गए, अब मैं जाऊं या ना जाऊं इससे क्या फर्क पड़ता है? अब जब हम दोनों इस घर में अकेले हैं तो तुम्हें इस ड्रेस में देखकर कुछ कुछ होता है यार। क्या? तुझे गेटअप पसंद नहीं आया क्या? अरे 70s के जमाने में हीरो ऐसे ही कपड़े पहनते थे। हेलो, दो ऑरेंज जूस देना। इफ यू डोंट माइंड, हम 1/3 जूस पी सकते हैं। कुत्ते कमीने, इडियट। सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफ। कहीं और पी लेंगे। चल चल, इनका कुछ नहीं हो। मेरे दोस्त, मुझे गर्व है तुझ पर, सच्चे प्यार रे, तुझे कितना सुधार दिया, लगे रहो मुन्ना भाई। पप्पा कसम, शादी तो इसी से करूंगा। अबे गायत्री का क्या होगा? उससे शादी हो गई रे। यहाँ देख, इतने दिन से उसके साथ क्या कर रहा था? बस प्यार का नाटक कर रहा था। नाटक? मतलब तूने हम सबको बेवकूफ बनाया? यहाँ देख, मुझे लगा था तू सुधर जाएगा, इसलिए गायत्री केस में मैंने तेरी मदद की, तूने मुझे भी उल्लू बनाया। उल्लू को उल्लू कैसे बनाते हैं, ये किसी से सीखना नहीं पड़ता। देख बेटा, गायत्री का मैटर भूल जा। चल बेटा, संतरे वाली निकल जाएगी, बाद में बात करते हैं। ए रुक रुक रुक, मेरी बात सुन। जूस वाले, क्या हो गया बे? इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जिस जिस गली से गुजरेगा बच्चे इसे पापा पापा कहकर बुलाएंगे। अगर तेरी भी जवान बेटी हो तो इसे बचा कर रखना। चल कुत्ते कमीने, निकल यहाँ से। लड़ाई का तो जमाना नहीं रहा, मुझे गाली दे रहा है, दिल करता है इसकी बेटी को मैं ही पटा लूं। अरे तुम क्या? अरे भाभी जी, आप यहाँ? महेश यही रहता है ना? महेश नाम का तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। ये गीता नगर? हाँ बेटा। दूसरी गली? नहीं नहीं, पहली गली है। ओ पहली गली, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नो प्रॉब्लम, ठीक है मैं चलता हूँ, पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है तो मिलते हैं, आते रहना। अरे क्या हुआ? पानी। अंदर आ जाओ।
आराम से बैठो बेटा। हाँ भाभी। बताओ तुम ठंडा लोगे या गरम? क्या भाभी, ठंडा गरम पिलाएंगी? नाश्ता नहीं कराएंगी क्या? सिर्फ नाश्ता क्यों, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से खिला पिला कर ही यहाँ से भेजूंगी। खिला पिला कर? ओके ओके। पहले मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ठंडा जूस लेकर आती हूँ। हेलो। हेलो। हे जानू। अशोक कहाँ हो तुम? कुछ दिनों से तुम्हारा कोई फोन नहीं आया, बिजी हो? हाँ बिजी तो हूँ, मैं एक मीटिंग में। मैं खत्म करके तुम्हें कॉल कर लेता हूँ। अशोक मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हेलो 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 हेलो। गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो पा रही? हाँ सिग्नल थोड़ा सा वीक है, सिम में प्रॉब्लम होगी। तो मेरा सिम यूज करो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओ ऐसा क्या, ठीक है ठीक है। क्या हुआ? वो ये ये, ये अच्छा ये फोटो, गन का साइज देखकर डर गए क्या? हाँ, ये तो बस पोज मारने के लिए है। अच्छा। इस बंदूक से तो इन्होंने एक मच्छर तक नहीं मारा। ऐसा क्या? हाँ बेटा। अरे एक मिनट, लगता है तिनका है। तिनका नहीं, तिल। हाय दैया, इस वक्त कौन आया है? कहाँ छुपू? मेरे पति तो आउट ऑफ टाउन है। अरे भाभी दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कहाँ छुपू, कहाँ जाऊँ? अरे रे तुम अभी तक यहीं पर हो, कहीं भी जाकर छिप जाओ जल्दी से, मेरी बेटी को भी इसी वक्त आना था। बेटी? देखना पड़ेगा। अरे मर गया, ये तो रम्या है, इसे तो कॉलेज में टांग दी थी। हे रम्या। हे अशोक, तुम यहाँ कैसे? तुमसे ही मिलने आया था, कितनी देर इंतजार करवाया। अचानक कैसे आगे, फोन करके आती ना? फोन नंबर नहीं था ना। मम्मी मम्मी। आ रहे हो बेटा। तुम फोन करके आते तो मैं तुम्हें कुछ खिलाती पिलाती ना। क्या है कि मैं अक्सर फोन बदलता रहता हूँ, तो पुराने फोन में जो नंबर थे वो सब गायब हो गए, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ के खुद ही नंबर ले लूं। मम्मी आपने अशोक को नाश्ता वास्ता कराया कि नहीं? बहुत कराया, भरपेट खिलाया मुझे, तब तो मैं खुश हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ, I'll catch you later। Bye अशोक। Bye। शिवा जरा रुको, तुम्हारे पापा आज घर पर खाना नहीं खाएंगे, जरा जाकर ये टिफिन दे दो। लाओ दो। तो आपने उनके लिए मच्छी बनाई? वाह, मेरा मच्छी बाजार में काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, पास से गुजरता हूँ ना तो अपनी नाक बंद कर लेते हैं, लेकिन मच्छी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कितना सुनाता है। सुनो बोरी को वहाँ पीछे बुलाओ, मैं रख दो। ले लो ले लो ले लो, 1 किलो 18 रुपए में टमाटर ले लो, 18 रुपए। आज सूरज कहाँ से हो गए, मेरे लिए ये खाना लेकर आया? आपको डायबिटीज है ना, वक्त पर खाना नहीं खाया तो बेहोश हो जाएंगे, इसीलिए लेकर आया। रुको पहले मैं जरा हिसाब किताब ठीक से पूरा कर लूँ। हिसाब किताब मैं संभालूंगा, आप जाके खाना खा लीजिए। हाँ बहुत बड़े गुंडे, इनके मुंह मत लगो बेटा, अगर तुमने बीच में टांग लड़ाई तो
मैं यहाँ ठीक से धंधा नहीं कर पाऊंगा। कम से कम मैं पुलिस को तो यहाँ बुला लेता हूँ। पुलिस को पता है कि यहाँ आज किसी का खून होने वाला है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ अंदर आओ। एक कायर की तरह जिंदगी काटने से अच्छा मर जाओ। हमेशा गलत फैसला करते हैं। खरे और खोटे का फर्क कभी समझ नहीं पाएंगे आप। जाओ। ठीक है, ये तो हो जाएगा। मुन्ना, हेलो। सुन बे अशोक, क्या बात है मुन्ना? अदालत के बाहर काली गाड़ी में बैठे ले। कहाँ पे? काली गाड़ी में रे। काली गाड़ी? अरे इधर देख, राइट में। हाँ, दिख गया। ए, मैं आता हूँ। सुनो, उस केस का क्या हुआ? हाँ, मैं उस पे काम कर रहा हूँ, बस हो जाएगा। अरे, आजा। क्या हुआ मुन्ना, तू अचानक कैसे आ गया? बात क्या है? अरे टर्की, तू भी आया? कैसा है तू? हाँ, ठीक हूँ। अरे सब्जी मंडी में एक को लुड़का डाला रहे, अब तेरे को बेल का इंतजाम करना है। बस तो फोन पे बता देता, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? जा जा, तू जा, बेल का इंतजाम होते ही मैं फोन कर दूंगा। और इन लोगों के साथ अदालत के बाहर खड़ा मत रहे यार। जा जा फटाफट घर चला जा। चल अड्डे पे चल। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी घर अच्छे से संभालेगी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? पापा, प्रिया रेडी हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है? अरे आप लोगों ने कुछ लिया कि नहीं? चाय, कॉफी, जूस, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। लड़की का भाई है ये। हाँ, कितना जिम्मेदार है ना। ले ले ले। मैं चॉकलेट लेके आता हूँ, अभी आया। I'll be back। अरे लड़की को तो बोलो। डन डन, ये लो तुम्हारे लिए, खा लो। हाय हाय, आई एम एडवोकेट अशोक। प्रीति। हाय। हे, नाइस फोन। फेदर टच। फ्रेश है। तुम्हें क्या लगता है? एकदम फ्रेश लगता है। सिग्नल आराम से पकड़ता हूँ। सही कहा। इसे पिलाओ। क्या बात कर रहे हो? हेलो। हाय प्रीति, ऊपर देखो ऊपर। कौन बोल रहा है? यार मैं बोल रहा हूँ, एडवोकेट अशोक। लुक अप लुक अप, यहाँ पे। हाय। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम ओके। चलिए अब बाकी बातें भी आज ही तय कर लेते हैं। एक काला सूट और बढ़िया जूते। याद रहे, शादी एक आलीशान एसी हॉल में ही होनी चाहिए। और अब मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाता हूँ, मेरा बेटा अब जीएम बन गया है। अच्छा, है ना खुशखबरी? उसके लिए एक गाड़ी तो होनी चाहिए। उसके अलावा आप कपड़े, बर्तन और बाकी छोटी मोटी चीजें तो देने वाले ही हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते ही हैं, तो एक 2 BHK दिला दीजिए। देखिए, आपने पहले जो चीजें बताई थी, हमने वो सारी चीजों का इंतजाम कर लिया है, पर गाड़ी के बारे में पहले किसी ने? अगर आपका जवाई पैदल ऑफिस गया तो इज्जत आपकी जाएगी ना। वो तो ठीक है, पर अचानक ऐसे गाड़ी का इंतजाम? ओके, अगर आप नहीं दिला सकते तो हम कोई कार देने वाला ढूंढ लेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। जी हाँ, देखिए आपने जो पहले हमसे चीजें कही थी वो तो हम दे ही रहे हैं, शादी के बाद हम बहुत जल्दी गाड़ी का भी इंतजाम कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। अरे चलो उठो, ये रिश्ता नहीं चाहिए। अरे क्या समझता है, बिना घर और गाड़ी के मैं अपने बेटे का हाथ नहीं दे सकता। मेरे हाथ से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ए शिवा, तुम जरा चुप रहोगे? ये बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, बच्चे बीच में नहीं बोलते। बड़े बुजुर्गों ने अब तक क्या उखाड़ लिया? एक मिनट, मैं नीचे आके बताता हूँ इनसे बात कैसे करते हैं। नहीं, तुम आज कहने देने के लिए राजी हो जाएंगे, पर कल देने में देरी हो गई तो ये हमसे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हमें कमरों की जूती हो। छोड़ो, उसके बाद कल ये ससुराल में मेरी बहन का जीना हराम कर देंगे। वो बेचारी घर लौट कर आ जाएगी और मैं हाथ पर हाथ धरा बैठा रहा हूँ। अरे एक लड़का गया तो 1000 खड़े कर दूंगा, इसके सामने हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों, शर्म नहीं बची तुझमें? दहेज मांगने की हिम्मत कैसी हुई? लड़के का बाप हूँ, जो चाहिए मांग सकता हूँ। अच्छा, लड़के का बाप है तो पेट्रोल भी मांगेगा मुझसे? अरे मेरा जो मन है मांगूंगा भाई। तू कौन होता है रोकने वाला? अपने बेटे की परवरिश में मैंने दोनों हाथों से पैसा खर्चा किया है, उसकी भाई कौन देगा? तुमने अपने बेटे को बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया, उसकी सारी जरूरतें बिना बोले पूरी कर दी। साइकिल मांगी तो साइकिल ला दी, बाइक मांगी तो बाइक ला दी, अंडरवेयर दिलाई, बनियान दिलाया। अब बस वो शादी के लिए एक लड़की चाहता है, तो लड़की के साथ घर मांग रहे हो, गाड़ी मांग रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है बे? दहेज की प्रथा सालों से चली आ रही है, मेरा तो एक ही बेटा है, तुम तो दो दो भाई हो, दोनों हाथों से दहेज गिरोगे। मेहमान है ना, इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ, यही बात मेरा बाप कहता ना तो मार देता हूँ। ऐसे गुंडे मावालियों के घर में हमें रहना नहीं चाहिए। चल बेटा निकलना। भाई साहब सुनिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप रुक जाइए। एक बार बोल दिया, समझ नहीं आता। चलो चलो सब। भाई साहब सुनिए तो। प्रिया, गलती हो गई मुझसे, तुझे वो लड़का बहुत पसंद था,
पर मैंने सब गड़बड़ कर दी, हो सके तो माफ कर दे। अरे भैया, आपने तो कोई गलती नहीं की, हर कोई आपकी तरह ईमानदार नहीं होता, आप तो देवता समान है भैया, हर बहन को आप जैसा भाई मिले। मैं जानती हूँ कि आपने ये मेरी भलाई के लिए किया है, आप उदास मत होइए भैया, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मैं आपके पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी। शिवा, घर में बहुत प्रॉब्लम है, मैं अब अपने घर नहीं जाने वाली, मुझे अपने घर ले चलो प्लीज, या फिर हम कहीं भाग जाते हैं। घर से भागकर कभी कोई खुश नहीं रहता, हम इस टेढ़े रास्ते पर कभी नहीं चल पाएंगे श्वेता। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा, मुझ पे भरोसा है ना। अब मुझसे सहन नहीं होता शिवा। आप श्वेता के पिता है ना? हाँ मैं ही, अंदर आ जाओ बैठो। बोलो। देखिए सर, मेरा नाम शिवा है। हाँ हाँ बोलो। घबराओ मत, बोलो। देखिए हाँ। मैं आपकी बेटी को चाहता हूँ। उठ यहाँ से, कौन है तू, आया कहाँ से है? सर आप जरा मेरी बेटी से शादी की बात सोची कैसे तूने? प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने तुझे शरीफ समझ के घर में बिठाया था, पता होता तो धक्के मार देता। सर कुछ गलत, निकल जा, निकल जा यहाँ से। अरे, आप मेरी तू बात निकल रहा है या नहीं? निकल जा वरना मेरी खोपड़ी सटक जाएगी। देखिए चाचा मेरी, मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा। तुम लफंगों को काम काज तो कुछ है नहीं, बस प्यार करने निकल। बुढ़ाओ चुप, कितना बोलेगा, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इतनी इज्जत तो मैं अपने बाप को भी नहीं देता। देखो मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, डेली उसे ड्रॉप करता हूँ, पिकअप करता हूँ, और आप मुझे पहचाने से इनकार करते हैं। आप उसके सगे बाप हो या सौतेले? सगा बाप अपनी बेटी के मामले में इतना केयरलेस होता है क्या? बाप हो तो आराम से घर में बैठे हो, कभी ये कंप्लेंट आई है कि आपकी बेटी को किसी गुंडे ने छेड़ा? नहीं आई होगी, क्योंकि उन कंप्लेंट से मैं निपटता हूँ। वैसे आपके बारे में भी काफी कंप्लेंट आई है मेरे पास, हर रोज बेटी के लिए नया नमूना ले आते हो, आपकी बेटी को यह सब अच्छा नहीं लगता। सुन बे, अब से कोई लड़का नहीं लाना, तेरी बेटी से मैं शादी करूंगा, समझ गया ना? अगर मुझे पता चला यहाँ कोई लड़का आया है ना तो फिर। बाहर आओ! ये बकवास बाप कौन है वो? बाहर आओ! क्या बात है, कौन है? शक्ल से तो बहुत भोले लगते हो, ये शराफत अपने बेटे को भी सिखाई होती तो बहुत अच्छा होता। शरीफ लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर पैसे ऐठना चाहता है वो। देखिए आप शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत। अरे चिल्लाऊंगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तुम्हारा बेटा मेरे घर पर आकर मुझे मारने की धमकी देता है, तुम सबको अंदर करवा दूंगा मैं। वो तो घर पर नहीं है, जब वो आएगा तभी उससे बात करेंगे ना, आप शांत हो जाइए। आज के बाद तुम्हारा लड़का मेरे घर के आसपास भी नजर आए ना तो उसके हाथ पैर तुड़वा के उसका पार्सल करवा। अबे देखिए, क्यों तुम तो कह रहे थे तुम्हारा बेटा घर पे नहीं है, बेटा छत पे मजे ले रहा है और तुम तरफदारी कर रहे हो, बचा रहे उसे, गिराओ उसे नीचे। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये उसका छोटा भाई है। और कितनी नालायक औलादे हैं तेरी, बस लोगों को लूटने के लिए पैदा किया इसने। देखो वो जब आएगा मैं उससे बात कर लूंगा, अब जाओ यहां से। क्या बात करेगा, मैं उसे अंदर करवा दूंगा, मुझे जानता नहीं है तू। अरे हटो, चलो। साला नसीब ही खराब है मेरा, पता नहीं गुंडे जैसा कौन था ये। मुझे क्या पता, मैंने तो आज से पहले इस आदमी की कभी शक्ल तक नहीं देखी, बस इतना पता है कि वो किसी लड़की का बाप है। तुम्हारे बड़े बेटे ने उसके घर में जाके तमाशा खड़ा किया, ये लड़का हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो अंकल मेरी बात नहीं कर रहा था, बच गया अशोक, बच गया। पापा वो अंकल कौन थे, आपसे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? तुम्हें परवाह है पर उसे बिल्कुल नहीं। हाँ पापा, आपसे ऐसे कोई बात करे तो मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भैया को आने दीजिए, मैं बात करता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है उस पागल के मुंह लगने की, वो फिर से तुझसे झगड़ा करने लगेगा, तू जा ऊपर जा। नहीं पापा, मैं बात करूंगा भैया से, मेरे घर में मेरे पापा पर कोई ऐसे चिल्लाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आखिर मैं वकील। अरे अरे तुझे पता है कि वो बात बात पर हाथ उठाने लगता है, तू जा अपने कमरे में जा, जा। हमारी भी एक जवान बेटी है, कोई अजनबी हमारे घर पर आकर तमाशा करेगा तो इससे कौन शादी करेगा? हाँ जरा समझाइए इस नालायक बेटे को। माँ बाहर बापू ने कोई लफड़ा कर दिया क्या? ए, वहीं रुक जा। क्या हुआ? वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जिसके घर जाकर तूने हंगामा किया। यहाँ कौन आया था? कौन आया था यहाँ? उसका बाप यहाँ आया था, उसने जो हंगामा किया यहाँ लोग जमा हो गए थे। वो यहाँ कैसे आ गया?
मैं उसे धमकी देके आया हूँ कि वो अपनी बेटी को तंग ना करे। अब तक तो सिर्फ तेरे गुंडागर्दी के किस्से सुनने में आए थे, अब ये लड़की बाजी भी। सुनो, ये लड़का हमें चैन से जीने नहीं देगा, ये तो सिर्फ हमारा सर झुकाएगा। आपको मेरी बात सुन शिवा, आज तुम्हारी वजह से उस आदमी ने हमें पुलिस की धमकी दी। भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। पूरी बिरादरी में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उसकी इतनी हिम्मत, अभी बताता। ए, कौन हो तुम? बाहर निकल। क्या चाहते हो? ए, बाहर निकल। घर में क्यों घुस आए हो? क्या बात है? आना। बताओ तो सही, तुमने हमारे घर में हंगामा किया, इसलिए मेरे पति ने भी किया। वो हमारी बेटी है, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहा? आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं? अच्छा, एक बार जब आपकी बेटी ने कह दिया कि मुझसे प्यार करती हो, तो यहाँ वहाँ से उसके लिए लड़के क्यों पकड़ कर लाते हो? बीच में तुम लोग आ रहे हो मेरे और उसके प्यार के बीच में। मियाँ बीवी राजी हैं तो काजी बनने की क्या जरूरत है? और तुम्हारी हरकतें सुनने के बाद मैं चुपचाप मछली बेचता रहूँ? काट के रख दूंगा। कहाँ गया वो बुढ़ाओ? ए, इधर आ, आना। अरे फंस गया। तुझे अरे श्वेता, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे टेंशन हुई, इसीलिए यहाँ गया। कितना रिस्पेक्ट दिया मैंने इस आदमी को और ये मेरे घर तक पहुँच गया। एक तो पहले ही मेरे बाप को मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता और इसने वहाँ जाके बखेड़ा खड़ा कर दिया। कहता है मारेगा मुझे। अरे मारना, मार मुझे, मारना, मारना, मार मुझे सामने, मार श्वेता को भी, मार देना। श्वेता मेरे घर से जाके फैमिली को धमकाया इसने। श्वेता अच्छे से बात करी मैंने इससे। अरे मेरी बात तो सुन। श्वेता शिवा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं और अब मुझे ये फैसला करना है कि मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी करूँ या अपनी पसंद के लड़के से करूँ। क्या पूछने आई हो तुम मुझसे यहाँ? जब तुम्हारे दिमाग में पहले से सवाल उठने लगे हैं तो इन सब बातों का क्या फायदा? अपना टाइम मत वेस्ट करो श्वेता। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है शिवा, तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, मैं यही चाहती हूँ। hey, तुम्हें लगता है प्यार गुड्डे गुड़िया का खेल है? जब चाहे प्यार किया, जब चाहे फेंक दिया। तुम्हारे बारे में सोचकर मर जाऊंगा, किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया। तुम्हें कुछ कहूँ तो भी तकलीफ मुझे होती है, दिल दुखता है। देखो यहाँ से चली जा, चली जा। मेरी बात समझने की कोशिश करो शिवा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। हटो, होती कौन हो तुम मुझे कहने वाली? निकल जाओ यहाँ से। बड़ी आई मेरी भलाई की सोचने वाली। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, गेट लॉस्ट। समझ लो आज से शिवा तुम्हारे लिए मर गया। हेलो। हेलो अशोक, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज अशोक सुनो। सुनो। गायत्री ने तुझे फोन किया था ना? नहीं, क्यों, क्या हुआ? उसने मुझे फोन किया था। कहा कि तुम उसका फोन नहीं उठा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? उसने मुझसे कहा कि वो पुलिस के पास जाने वाली है। पुलिस के पास जाएगी? देख, हा? देख मैं संभाल लूंगा, तू जा। सुन यार, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं। अबे लेक्चर मत दे, चल निकल यहां से। इडियट। ठीक है, तेरी मर्जी। बढ़िया है मुझे समझाने वाली। मैं क्यों सुनूं उसकी? जिससे शादी करनी है कर। म्यूजिक इन रोड़ा के यहाँ घूम रहा है, अभी बताती हूँ। तो सुनो अशोक, एक लड़की को धोखा देके इस तरह आराम से जा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने भेजा? क्या कहा तूने? मैंने धोखा दिया? धोखा लड़कियां देती हैं। जिसने तुझे भेजा है ना, उसी ने मुझे धोखा दिया है, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। चल अब रास्ता दे। तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। नहीं छोड़ोगी? क्या कर लोगी तुम? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाओ अभी यहाँ से। तुम क्या हो? आज मैं जान गई हूँ। जब जी चाहा एक लड़की को इस्तेमाल किया और फिर उसे साइड में रख दिया। हाँ, यही करते हो ना? क्या कहा तुमने? ये तुम मुझसे कह रही हो?
लड़की हो ना कह सकती हो। एक तो हमें जिंदगी से अलग कर दो और फिर हमें ही दोषी। ऐसी बातें मत करो, एक लड़की का श्राप तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। तो क्या इस लड़के का श्राप तुम्हें रहने देगा? तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। चलो फुटो। तुम मुझे धोखा दे सकते हो लेकिन इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? ये कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अब ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? ये क्या कह रही हो तुम? उसमें मेरी क्या गलती है? पहले ही एक दिमाग खराब कर चुकी है, पता नहीं ये दूसरी कहाँ से। मिनिस्टर ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस बात की जांच अपनी खास कमेटी से करवाएंगे। जिसने भी ये घोटाला किया है उसे सजा मिल के रहेगी। कल रात मणिनगर में अचानक हुई एक लड़की की मौत से पूरा इलाका सकते में है। कल रात गायत्री नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। वो एक बड़े शोरूम में मैनेजर की नौकरी करती थी। उसकी आत्महत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही है और वो केस की हर बारीकी पर ध्यान दे रही है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए समझ में नहीं आता इतनी जवान लड़की को आखिर किसी ने क्यों मारा होगा। पता नहीं आजकल लोगों के दिमाग पर इतना खून खराबा क्यों छाया रहता है। तुमने अपने केस की पैरवी के लिए किसी वकील को अपॉइंट किया है? मैं खुद एक वकील हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये केस खुद ही लड़ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये केस लड़ने के लिए आप मुझे इजाजत दें। Kindly grant me permission, Your Honor. You may proceed. Thank you, Your Honor. आपने मुझे किस सेक्शन में अरेस्ट किया है? पिछले 11 तारीख को आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली थी। हमें पता चला है कि गायत्री के साथ आपके नाजायज संबंध थे, इसलिए हमने आपको अरेस्ट किया। सारे सबूत हमने कोर्ट को पेश कर दिए। सलमान, मेरे बेटे को कुछ ना हो। किसी ने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट क्या दर्ज करवा दी? मुझे पुलिस ने अपने घर से ऐसे उठाया जैसे मैं कोई आम चोर उछक्का हूँ। मैं एक वकील हूँ, मेरा भी कोई अधिकार है। इस वक्त तुम वकील नहीं मुजरिम हो और तुम पर खून का इल्जाम है। तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपके खिलाफ जिसने कंप्लेंट लिखवाई है वो कोई और नहीं बल्कि आपका भाई है। जब एक ही परिवार के लोग एक दूसरे पर ऐसे संगीन जुर्म लगाते हैं तो अदालत ऐसे केसेस को स्पेशल केसेस के तौर पर देखती है और आपका केस कुछ ऐसा ही है। मिस्टर शिवा, आपके भाई के खिलाफ कंप्लेन करने की क्या वजह है? जिस रात उस लड़की की मौत हुई थी उससे पहले उसने मुझसे बात की थी। तब मेरा अपना कोई टेंशन चल रहा था, इसीलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा वो बकबक कर रही है। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं था, मैं उससे पहले कभी मिला भी नहीं था। पर फिर मैंने सोचा, उसने मुझसे बात की क्योंकि उसे लगा शायद मैं अशोक हूँ। मैं जानता था यह लड़कियां घुमाता है। मुझे शक होने लगा कि कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मेरा भाई अशोक तो नहीं। मैं तो खुद अपने हाथों से इसे मार देता। पर आपकी दी हुई सजा एक मिसाल बनेगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी जो मासूम लड़कियों को फंसाते हैं, और इसीलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाई। पहले पुलिस को मुझ पर यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने छानबीन करके उन्हें फोटोज ग्रीटिंग कार्ड्स दिए तब जाकर उन्होंने अशोक को गिरफ्तार किया। वकील साहब, जिस फोटो की ये बात कर रहा है, क्या आपको यकीन है कि उसमें मैं ही हूं ये नहीं? क्योंकि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो इसलिए इस फोटो को मैं सबूत नहीं मान सकता। काम बन गया। लड़की के सेल पर किया आखिरी नंबर आप ही का है। कॉल डिटेल्स में आपका नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में क्या कहना? हो सकता है सर, मैं एक ईमानदार वकील हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। उस लड़की ने मुसीबत में फंसकर किसी से राय मांगी होगी, उसने मेरा नंबर दे दिया। उस वक्त मैं बिजी था और मैंने जवाब नहीं दिया, तो क्या मैं दोषी हो गया? अगर मैं आपको फोन करूँ और आप जवाब न दें और मैं मर जाऊँ तो क्या मेरी मौत के आप जिम्मेदार हैं? क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी? योर ऑनर, इसने गलती की है। वकील होने का फायदा उठाकर अब ये बचना चाहता है। भैया, आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, कोई बात नहीं, मैं आपका भाई हूँ, लेकिन प्लीज वकीलों के बारे में कुछ मत कहिएगा। ऐसा ना हो जाए कि बार काउंसिल आपके खिलाफ केस कर दे। साले शाना बनता है तू, अभी बताता हूँ तुझे। योर ऑनर, देखिए आपके सामने मुझे गाली दे रहा है। कोर्ट में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अदालत की तौहीन है। दोबारा गलती करने पर आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। वकील साहब ने कहा कि मेरे भाई ने कंप्लेंट की है इसीलिए मुझ पर केस चल रहा है, लेकिन योर ऑनर, मेरे माता पिता, उन्हें भी यहाँ बुलाइए। एक बार वो कह दे उसके बाद फांसी भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। साहब, मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। मेरे दोनों बेटे जुड़वा हैं, पर आज ये दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं। मेरे बड़े बेटे को शुरू से ही अपना छोटा भाई पसंद नहीं था, वो सिर्फ घर में ही लड़ा करते थे, पर आज उनकी ये लड़ाई हमें कोर्ट तक ले आई। मेरा ये बेटा बहुत ही मासूम है, मैं नहीं जानती मेरा बड़ा बेटा ये क्यों कर रहा है। देखिए ना, आप ही इसे समझाने की कोशिश कीजिए। भैया, बस देखते जाओ,
नमस्ते सर। आमतौर पर बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई की रक्षा करता है, पर यहाँ तो बड़ा भाई छोटे भाई को ऐसी गलती के लिए कोर्ट ले आया जो उसने की ही नहीं है। कोई ऐसा करता है क्या? अरे क्या बात है बापू, इसे मैं अपने असिस्टेंट की नौकरी दे दूं क्या? मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, वो निर्दोष है, मैं जानता हूँ। तुम्हारे माता पिता के बयान के अनुसार तुम बिना वजह अपने छोटे भाई को बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। ये मुजरिम है, ये साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई और सबूत है? अशोक बेटा, अब कानून तेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैंने बस आपके सामने सच रखा सर, इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है। उस दिन जब मैंने उस लड़की से बात की तब मैंने जाना वो सिर्फ दिमागी तौर पर परेशान नहीं है, दरअसल वो लड़की माँ बनने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास पहले से पड़ी है, इसका DNA टेस्ट करवा लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा ये मुजरिम है या नहीं, और बाकी लोगों को भी। ये तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया है। शिवा ने जो कहा है कोर्ट उसकी बात को मानते हुए अशोक का DNA टेस्ट कराने का ऑर्डर देती है और आदेश देती है कि रिपोर्ट सीधे कोर्ट में पेश की जाए। तब तक ये कोर्ट अशोक की बेल एप्लीकेशन को मंजूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करती है। अगली पेशी DNA टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद। किसी की जिंदगी आराम करके देखता हूँ कैसे बचता है। वहीं रुक जा, तूने अपने छोटे भाई को गिरफ्तार करवा के हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, आज से तू मेरा बेटा नहीं। काशीनाथ, तेरे बोलने से कुछ नहीं होता। ये अगर मेरे दादा कहते तो बात अलग होती, ये घर उनके पैसे से बना है, तुम्हारे नहीं। ए, 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 अपने बाप को नाम से बुलाता है, शर्म नहीं आती? रुक जाइए माँ। अरे क्या कहूँ मैं, आज उस कोर्ट में आप दोनों ने उस लफंगे की तरफदारी की। क्या कह रहा है? आपको लगता है मैं बुरा हूँ और वो दूध का धुला है? यही सोचते हैं ना आप? लीजिए दूध पी करा गया। हालत देखिए इसकी, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। और आप पीता नहीं तो और क्या करता बेचारा? जिसका बड़ा भाई उसे कोर्ट में घसीट कर ले जाए वो और क्या करेगा? रहने दीजिए पापा, भैया को कुछ मत कहिए। सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं। कितना पी कर आया हूँ मैं, हालत देखिए मेरी पापा। दूध पीने वाला बच्चा शराब पी कर आया है, क्यों? क्योंकि चोट यहाँ लगी है। गैर होता तो कोई शिकवा नहीं होता, लेकिन मेरा अपना भाई मुझसे नफरत करता है, किसी और की गलती मेरे सर थोपना चाहता है। सोचा भाग जाऊं, मगर आपके सिवा मेरा है ही कौन? ए, 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 क्या करता है? ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। भैया को डांटिए मत पापा, डांटिए मत। ये बहुत अच्छे हैं पापा, बहुत शरीफ है। ए कमीने, अपना कटर बनकर। तू चुप कर, इसकी कही हर एक बात सच है। देखा तूने कितना प्यार करता है तुझसे ये, और तू हम सब से नफरत करता है, इससे अच्छा तो तू मर ही जाता। वाह, मुझे तो लगा था सिर्फ ये जेल की रोटियां तोड़ने वाला है, पर अब तो लगता है कि आप सब के सब एक साथ जेल जाने वाले हैं। ए प्रिया, तू इन तीनों से दूर रहना, चल निकल यहाँ से। ए, 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 अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तुझे सिर्फ बेल मिली है। एक बार फैसला आ जाए उसके बाद तुझे सबक सिखाऊंगा। साला, तू मुझे सबक सिखाएगा? तू मुझसे उम्र में बड़ा है और मैं तुझसे अकल में, बड़े भैया। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपकी बेटी तो पहले ही बहुत कुछ सुना चुकी है, अब आप क्या सुनाने आए हैं? तुमने अपने भाई के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई, खून के रिश्ते को भुलाकर सच्चाई को सामने लाना चाहा। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। तुम्हारे बारे में मुझे बहुत सी गलतफहमियां थी जो मेरी बेटी ने दूर कर दी। ए, मेरी बात तो सुन। वो मवाली यहाँ क्यों आया था? तुम दोनों के बारे में क्या कह रहा था? माँ, शिवा के बारे में कुछ भी मत कहो, वो मेरे लिए उतना ही खास है जितने कि आप दोनों हो। ओह, ये बता, वो मछली बाजार वाला हमसे ज्यादा प्यारा हो गया? मेरी वजह से ही वो मछली मार्केट में काम करता है। जब मैं स्कूल में थी तब किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, तब शिवा ने उसका सर फोड़ दिया था। उसकी इस हरकत की वजह से कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, इसीलिए उसने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो कहां से कहां होता। आज मच्छी मार्केट में बैठकर वो मछलियां नहीं बेच रहा होता। मैं शिवा से पिछले 10 सालों से प्यार करती हूं, ना तो मैं उसे भूल सकती हूं और ना ही उसके बगैर रह सकती हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, तो जाओ उसके साथ, लेकिन एक बात याद रखना, इससे पहले तुझे मेरा मरा हुआ मुंह देखना होगा। ये क्या बात कर रहा है? कमला, 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 दरवाजा खोलो। कमला, 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 दरवाजा खोलो। कमला, केरोसिन, कमला, कमला, कोई गलत कर रहा है। कमला, 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 मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। उसके बगैर जीना मेरे लिए मौत से भी बदतर होगा। अब से मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगी, आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी।
लेकिन याद रखना माँ, अगर आपने किसी और लड़के से शादी करने को कहा तो आप अपनी बेटी का मरा हुआ चेहरा देखेंगी। पापा ने आकर मुझे सब बता दिया, मुझे माफ कर दो श्वेता। शिवा, इंडियन पेनल कोड 1973 और सेंट्रल कोड 1972 के तहत सबूत के तौर पर अदालत को जो डीएनए रिपोर्ट दी गई है उसे मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अशोक का गायत्री मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं था, वो निर्दोष हैं और उन पे कोई जुर्म साबित नहीं होता, उन पे लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद है, इसलिए कोर्ट मिस्टर अशोक को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाती है और पुलिस को यह आदेश देती है कि वो इस केस की तह तक पहुंचे। साथ ही कोर्ट मिस्टर शिवा को यह वार्निंग देती है कि आज के बाद अगर उन्होंने मिस्टर अशोक के खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट की तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। से गलती हो गई भैया, वो लड़की और मैं एक दूसरे को चाहते थे, हमने शादी करने का फैसला किया था लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सोचा कि जब मम्मी पापा को इस बात का पता चल जाएगा तो वो ये रिश्ता ठुकरा देंगे, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल रास नहीं आई और आपने भी मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। इस केस से बचने के लिए और अपने खानदान की इज्जत बनाए रखने के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे। उस लड़की की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं नहीं हूँ, बता कौन है फिर? आप है भैया। हाँ भैया, सारी गलती आप ही की है। मेरी? क्या बकरा तू? भैया आपने उस दिन कोर्ट में क्या कहा था? आपने कहा था कि उस लड़की की मौत हो गई और हादसे के 2 घंटे पहले आपने उससे बात की थी, उसे लगा आप अशोक, पता नहीं आपने उससे क्या कहा, वो बेचारी मर गई। क्या बकवास कर रहा है? मैंने उससे बात की इसीलिए वो मर गई? हाँ भैया, अगर आप उससे ठीक से बात करते तो आज मेरी गायत्री मेरे पास होती। आपको आके मुझे बताना चाहिए था ना भैया, क्यों नहीं बताया? आपका गुस्सा, आपका बदला उसे उसे खा गया। तू क्या कहना चाहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर अगर इसके पीछे तेरी कोई चाल हुई ना तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। ये बात अपने भेजे में घुसा ले। भैया मैं ऐसी चाल क्यों चलूंगा? और सुन, तूने कहा था तू उस लड़की से बहुत प्यार करता है, उसकी यादों के अलावा किसी और लड़की के साथ दिखाना, छोड़ूंगा नहीं। भैया गायत्री मेरा प्यार थी, मेरी जान थी। इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। अबे अगर गायत्री का फोन उठा लेता तो ना वो मरती और ना तुझे तेरा भाई मारता। अबे चुप कर यार, क्यों उस मनहूस का नाम ले रहा है? ब्लड क्लॉट्स नजर आ रहे हैं, तुम्हें इतनी बुरी तरह से किसने मारा? डॉक्टर साहब इसकी हड्डी पसली तोड़ने वाला और कोई नहीं, इसका भाई है। इसे अगर और चोट लगती तो ये बच नहीं पाता। तुम अपने भाई से बच के रहना, टैबलेट्स लिख के दे रहा हूँ, खाने के बाद करेक्ट टाइम पे लेते रहना, समझ गए? ओके। डॉक्टर साहब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आपने पढ़ाई करके डिग्री ली है या फिर कॉपी करके? सेकंड ऑप्शन ज्यादा सूट करता है आप पे। जरा अपनी राइटिंग तो देखिए, बचपन में मेरी भी ऐसी राइटिंग थी लेकिन आपकी तरह मैं आज भी डॉक्टर नहीं बन पाया। घूर के मत देख, दिल की फीलिंग बता रहा हूँ। आपके पास कंपाउंडर की जगह खाली है क्या? जो दवाइयां लिख के दे रहा हूँ वो लेते रहो, फालतू बात मत करो। सॉरी डॉक्टर। ए मुंह बंद करना, तेरी जबान केंचे की तरह चलती है।
अब तो डर लग रहा है, कहीं मेरे भैया के सामने तू गायत्री के बारे में सब सच ना उगल दे। ए, तू अपने लंगोटिया यार पे शक कर रहा है? अरे नहीं चाहिए तेरी दोस्ती। अरे तेरे भाई को तेरी सारी करतूतें बता देता तो आज तेरी बॉडी में एक भी हड्डी नहीं बचती। ए अशोक, बहुत रोना आ रहा है भैया, मैं करूं तो क्या करूं? उसके बारे में ज्यादा मत सोच, जो जो हो गया वो हो गया। मैं उसके बिना जिंदा कैसे रहूंगा भैया? ये ले। अब इसका मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं है। खा ले, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। गायत्री, कीड़ा बनाया। क्या बात है भैया, आज आप मुझे बार में अपने पैसों से पिला रहे हैं। चीज भैया, शुरू कीजिए। सुनो अशोक, गायत्री की याद में बहुत आंसू बहा। आज के जमाने में ऐसे लड़के होते हैं? अशोक और किसी से प्यार करेगा? क्या मतलब? गायत्री तो सच्चा हीरा है, बहुत अच्छी लड़की थी वो। डिफॉल्ट तो सिर्फ बीच में मेरा तो। तुझे क्या हुआ भैया? लगता है मुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है, सर चकरा रहा है मेरा। ठीक है, घर जा। ओके। कहो तो मैं छोड़ दूँ? नहीं, आप सिर्फ बिल भर देना, मैं चला जाऊंगा। बड़ा वाला एग्जिट हुआ, अब छोटे वाले की एंट्री होगी। पता नहीं खानदान का पीछा छोड़ेगा। दिखा दी ना अपनी औकात तूने। अरे मैंने तो सब अच्छा अच्छा बोला था। एक क्वार्टर की लालच में अपने दोस्त को दगा देने चला था तू? मेरे भैया के सामने मेरी पोल खोलने वाला तू? बोल, सच बोलेगा? बोल, और सच बोल, पोल खोलेगा मेरी तेरी को? दोस्त के घर के पास है तू? रुक, साले भागता कहाँ? कुछ नहीं बोला उसे। अरे देखो तो कौन आया है, जल्दी से खाने पीने का सामान ले आओ। आइए ना, आइए। नमस्ते, आप लोग आराम से बैठिए, मैं अभी चाय कॉफी लेकर आती हूँ। पहले से बताया होता तो हम कुछ और। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो आप लोगों के साथ रिश्ता पक्का करने आए हैं, बाद में ये सब कर लेंगे। अरे आपकी बेटी कहाँ है? अरे प्रिया, उस दिन जो लड़के वाले नाराज होकर चले गए थे ना, वो खुद आए हैं यहाँ। तू जल्दी तैयार होकर नीचे आ जा, मैं खाना बना रही हूँ, आप सब खाना खा के जाइए। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, अपने बेटे के लिए बस एक अच्छी बहू चाहिए। लेकिन वो कुछ वो नहीं, हम सब चीजों का इंतजाम कर लेंगे। तो इन पुरानी बातों में क्या रखा है भाई साहब, बस हम दोनों परिवारों में प्यार होना चाहिए। यही बात मेरे बेटे ने मुझे बहुत प्यार से समझाई और मैं समझ गया भाई साहब। नहीं चाहिए आपको, मेरी बात मानेंगे कि नहीं? मानूंगा। आज से पहले मेरी किस्मत इतनी कभी नहीं चमकी है। एक और बात, मेरे बेटे की शादी के साथ क्यों ना एक और शादी तय कर दे? क्या, एक और शादी? हाँ, उसका नाम क्या है बेटा? अशोक है उसका नाम। हाँ, आपका बेटा अशोक। इसे को तो कहते हैं घर बैठे लॉटरी लगना। शर्मीली है, मुझे ऐसी चाहिए थी। अगर मेरे बेटे के साथ मेरी बेटी शादी करके इस घर में आ जाए तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। आओ बेटा, ये मेरा छोटा बेटा। नमस्ते। इसका बड़ा भाई कुंवारा है, उसकी शादी से पहले मैं इसकी शादी कैसे कर दूं? वो तो जुड़वा है, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। तो फिर इनकी शादी भी आप मुझे लोग क्या पागल हो गए हैं? आप टीवी पर न्यूज नहीं देखते, सुबह सुबह अखबार नहीं पढ़ते? जानते हैं जिस लड़की की मणिनगर में मौत हुई थी वो कौन थी? ये अशोक उससे बहुत प्यार करता था, उसकी मौत से बेचारा परेशान हो गया और आप सीधा शादी की बात लेके आ गए। आ गया साला रंग में भंग डालने, बनती बात बिगाड़ेगा। हमेशा सही टाइम पे गलत एंट्री मारता है। ऐसा नहीं है, मैं इनकी जिंदगी में खुशी लाऊंगी। अगर वो अपने दिल में मुझे इतनी सी जगह दे तो मैं झोपड़े में भी रह लूंगी। फिल्म की हीरोइन जैसे डायलॉग मार रही है और ये फिल्म के विलन जैसा,
इसका दिल पहले से इतना छोटा है, ऊपर से लड़की के प्यार में तड़प रहा है, उसके बचे हुए दिल में क्या अचार डालोगी? मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे रे, कोई समझाओ इसे, लड़की फिल्में देख के बिगड़ गई है। सुनो मैडम, ना ये बदलेगा ना इसका दुखी दिल बदलेगा, इसके गायत्री मंत्र के चक्कर में तेरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। मुझे बस एक मौका देकर तो देखो, मैं उसे बदल दूंगी। क्या गले पड़ो यार, तू शादी करेगा? मैं गायत्री को कैसे बुला सकता हूँ, ये शादी नहीं हो सकती। सुन लिया, जाओ जाके किसी और से शादी कर लो। अरे तू अंदर चल, अंदर चल। ये बेकार में रिश्ता लेकर आए हैं अशोक, अभी तैयार। चलिए, आपकी बेटी और मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हुआ, तारीख बाद में तय कर लेंगे, चलता। श्वेता, तुम्हें सारे गहने पसंद आए ना? मैं प्रिया को शादी में सबसे अच्छे गहने देना चाहता था, अच्छा हुआ तुमने मेरे साथ आकर पसंद करने में मदद की। अब चले, बाइक जरा उस पार, मैं वहां तक चल के जाऊंगा। तुम सबका कितना ख्याल रखते हो, इसीलिए तो मैं तुम पे फिदा हूं। ए, एक सिगरेट का पैकेट देना। पैसे? किस बात के पैसे? दो। हेलो, सिगरेट के लिए पैसे मांग रहा हूँ। अरे खाते में जोड़ देना। नीचे देख, कुछ दिख रहा है क्या? हेलो, वहाँ नहीं, यहाँ। आज नगद कल उधार, मल्टीनेशनल कंपनियां भी उधार देती, इस तरह पट्टियां नहीं ठोकती। उधारी देगा तो करोड़पति बनेगा। उधार के चक्कर में लोग करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं, और मैं तो पहले से ही रोड पर हूँ और रिस्क नहीं ले सकता। पैसा है तो सामान लो, वरना भाड़ में जाओ। गुंडे आसानी से नहीं मानते। तो कैसे मानते हैं? ये तीली बुझने से पहले सिगरेट दे दे। लो, बुझ गई। मेरी बेइज्जती, मैं गुस्से में किसी गरीब की दुकान नहीं उजाड़ना चाहता। आ गया। ए साले, एक छोटी सी दुकान का मालिक होकर इतने नखरे दिखाता है? अब देख, मेरा दोस्त आ गया है, वो तेरी अकल देख कैसे ठिकाने लगाता है। अशोक दखरे, रुक 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 रुक, मुझे सिगरेट पीनी है लेकिन वो दुकान वाला दे नहीं रहा है। ए, तू जानता है मैं उधारी की नहीं पीता। ए सिगरेट देना। हाथ हटा। क्या आजकल सुधर गया, बाप का पैसा नहीं चुराता या फिर लड़कियों की तरह अंदर छुपा? अरे यार, अपने दोस्त को मना कर रहा है। अरे मैं तेरा लंगोटे यार हूँ, मुझे एक सिगरेट नहीं दे सकता? चल ठीक है, पैसा तो दे दे, कहाँ छुपाया कर रहा है? इस जेब में तो जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। कुछ तो हाथ लगा। हाथ हटा। अरे यार नाटक मत कर दे। अशोक ने उसका भाई था। घर की जिम्मेदारियां निभाने का मतलब ये नहीं कि तुम अंकल जैसे कपड़े पहनो। मेरी सहेलियों को ये पसंद नहीं, थोड़ा स्टाइलिश बनो ना। से कहते हैं स्टाइल। हेलो, अशोक। कौन? बाबू बोल रहा हूँ, कहाँ है तू? कोर्ट में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। क्या है? किसी ने मेरी जम के धुलाई की यार। क्या? बहुत दर्द कर रहा है। किसी ने तेरी धुलाई की? हाँ यार, तू जल्दी से आ जाना यार। पर तू है कहाँ? पुराने अड्डे पे। ठीक है, आता हूँ, वेट कर रहा हूँ। मेरी जितनी हड्डियां तोड़ी है, एक एक हड्डी का गिन के बदला लूंगा। हसले हसले, जितना हंसना है हसले, आज के बाद रोना ही है। चांद तक तेरी दुकान ऐसे साफ हो जाएगी। मेरा यार बस आ ही रहा है। ए अशोक, क्या हूं मैं? ए, रुक रुक। क्या यार, अपना अड्डा तो वहां है, पी रखी है क्या? चाबी वापस कर। नहीं देता जा, रात को तेरे चक्कर में शिवा से पंगा हो गया। देख फेस का डिजाइन चेंज किया उसने। ये देख कुत्ते की तरह पीटा। मैं चाहता तो आसपास के अपने पंटर लोगों को बुला सकता था, चुटकी बजाता वो खलास हो जाता, लुमड़ी में उसकी लाश को दफन कर देता। तेरे लिए, तेरी वजह से तेरे भाई को कच्चा लिंबू समझकर माफ कर दिया मैंने, वरना आज उसकी फोटो पे माला चढ़ी होती। ए, उसको मेरी पावर समझा, मैं तेरा फ्रेंड हूँ, उसका फ्रेंड नहीं हूँ, समझ गया ना? चल उसे फोन लगा माफी मांगने बोल। चुपचाप मेरे बाइक की चाबी दे। मैं उसे मारूंगा नहीं, सिर्फ धमकी देके छोड़ दूंगा। चल फोन लगा। देख तू मुझे चाबी। ए, ए। हेलो शिवा, कहाँ हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ।
श्वेता, दरअसल एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा। काली बिल्ली? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी सी टक्कर लग गई और लगता है बिल्ली के मुंह से खून बहने वाला। कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? मैं उसका काम तमाम करने की सोच रहा था, अब देखते हैं। ए, चाबी चाहिए ना तो फोन पे ज्यादा टाइम पास मत कर, तेरे भाई को बुला जल्दी यहाँ। मतलब तुम देर से आओगे? नेक काम में मैं देर नहीं करता। ए, अपने मुंह पे सेलो टेप चिपका, तेरे भाई ने मुझे डिफेक्टिव पीस बना डाला है, तेरे का नक्शा बिगड़ गया। अरे ए, वो भीगी बिल्ली कौन से बिल में छुपी हुई है, बाहर आने बोल, मुझे और मचमच नहीं चाहिए। तुम फोन रखो, मैं बस अभी आया। अगर वो यहाँ आकर मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगे तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ। आजा इधर आजा, तू भी आजा मेरे पास बैठ, कटिंग चाय पी, उसे फोन लगा और फिर चाबी लेके जा। उल्लू के पट्टे, कब से कह रहा हूँ चाबी दे, बकवास किया जा रहा है। काली बिल्ली, तू तो उससे भी बदतर है। माफी मांगूंगा, तुझसे माफी मांगूंगा। कल ट्रेलर दिखाया, आज तो पूरी पिक्चर दिखाई, दी एंड कर दिया, इंटरवल का टाइम भी नहीं दिया। बाबा काम दे, अकेले अकेले काम तमाम किया, मुझे याद नहीं किया। हाय, तो अब चलें? चलो चलो बैठो, कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो। फालूदा। मैडम ने जो ऑर्डर किया दो लेके आना। आ गया तो ये मुझे कोने में ले जाना चाहती है, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? अच्छे से जानती हूँ तुम कौन हो, तुम्हारी गिरी हुई हरकतों के बारे में तुम्हारे भाई ने पहले ही बता दिया। अरे यार, मैं शिवा हूँ। झूठ मत बोलो, मैं शिवा को अच्छे से जानती हूँ, मेरा शिवा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। जब तुमने पैर मारा मुझे तुम पे तभी शक हो गया था। तुम्हें तो कहा था ना अंकल जैसे कपड़े मत पहना करो, मैंने सोचा परफ्यूम भी लगा लेता हूँ, श्वेता खुश हो जाएगी, मगर तुमने बिलो द बेल्ट मार किया। ओह शिवा, आई एम सो सॉरी, लव यू। पापा, क्या बात है बेटा? अरे बापू, कैसा बाप है काशीनाथ? पापा कहा तुमने मुझे आज? पापा कहा, क्या बात है बेटा? क्या बात है, आप हमारे बाप के सिर्फ नाम के लिए हो, आपके बेटी की शादी इतने अच्छे घर में तय हुई है। हाँ तो क्या हुआ? तो शादी की सारी तैयारियां, सारे छोटे मोटे काम कौन करेगा? सारी तैयारियां हो रही हैं शिवा। हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है। और पैसे, उसका इंतजाम हो गया? उन्होंने दहेज के लिए मना कर दिया, और तुमने ही तो कहा था कि फूटी कौड़ी नहीं दोगे। सब बकवास, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने कहा था उनके मांगने पर हमें फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। पर हमें शगुन तो देना होगा ना, हम प्रिया की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। मच्छी बेच के करेगा क्या? सवाल ये है कि हम इसे क्या दे, जब ये ससुराल जाएगी तो इसके लिए वहाँ सब नया होगा, नई जगह, नया माहौल और तो और नया परिवार भी होगा। इसीलिए शुरू शुरू में वो वहाँ की किसी भी चीज को छूने से घबराएगी, पर अगर हम उसे उसकी जरूरत की चीजें पहले से दे दें तो उससे वहाँ कोई घबराहट नहीं होगी, वो अपने नए घर में नई जिंदगी आराम से शुरू कर पाएगी। इतना तो आप अपनी इकलौती बेटी के लिए कर ही सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? लगता है कल रात सूरज भांग पी के डूबा था, आज गलत दिशा से निकला है। प्रिया का सर ससुराल में भी हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, हम इसे कार भी लेकर दे देंगे। साले के बाइक के ये मैं पूरे नहीं हुए, गाड़ी खरीदने चला है। बेटा, तू अपनी छोटी बहन से कितना प्यार करता बहुत है, प्यार कर। पर हमारे पास ये सब खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसकी फिक्र मत कीजिए,
अशोक के नाम पर जो घर लिया हुआ है ना उसे बेच दीजिए। उससे जो पैसा आएगा उससे हम प्रिया के लिए सारी चीजें खरीद लेंगे, क्यों अशोक? हाँ भैया, आपको जो ठीक लगे। घर बिकवा के रास्ते पे लाए गए मुझे। किया था ये घर तू रखेगा और दूसरा अशोक के पास रहेगा, तू ही बता हम उसे कैसे बेचें। उससे घर की क्या जरूरत है? साले ने पहले मेरी शादी रुकवा दी, अब मेरा घर भी पीछे। उसकी तरफ क्या देख रहे हैं? वैसे भी वो शादी नहीं करना चाहता, उसे अलग घर भी दिया तो उसका वो करेगा क्या? कब का मुझे शादी नहीं करनी है, ये तो मुझे कुंवारा ही मार देगा। अब वो शादी नहीं करना चाहता इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे ऐसे ही कुंवारा रहने देंगे। तो चलो उससे पूछ लेते। ए, हाँ भैया, तेरे नाम जो घर है वो बेच दे तो कोई प्रॉब्लम? क्या बात कर रहे हो भैया, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पापा घर तो क्या, कुछ और भी चाहिए तो मुझे बोल दीजिए, हमारे घर की शादी है धूमधाम से होनी चाहिए। भले उसके लिए मैं लूटी क्यों न जाऊँ। सुन लिया ना, ये भी तैयार है, अब जल्दी से घर बेचने का इंतजाम कीजिए, नेक काम है देरी नहीं। बेटा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस बहन खुश रहनी चाहिए, मुझे और क्या चाहिए। माँ एक बार उसने हाँ कर दिया ना तो बार बार वही सवाल क्यों? यहाँ ए प्रिया, तू भी क्या क्या चाहिए तुझे? बेटा सब ने बैठे बैठे नुकसान कर दिया, अगर मैं ऐसे ही शांत रहा और इसका कुछ नहीं किया तो ये मुझे बर्बाद कर देगा। मैं इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। चाल चलने का वक्त हो गया अशोक, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा भैया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाय। हाय। बाबू ने चिट्ठी दी है फॉर यू। बाबू ने? हाँ, उसी हैंडसम ने। एक लड़की ही दूसरी लड़की की मन की बात समझ सकती है, that's why I'm here. अब झटपट इसे खोलो, पढ़ो और बताओ कि तुम्हारा जवाब क्या है। चिट्ठी का जवाब हाँ में आएगा तभी वो अपना व्रत तोड़ेगा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बिना खाए पता है कितना वीक हो गया है। मैं उसे दो ग्लास जूस तो पिला कर आई हूँ लेकिन खाना तुम्हारे हाथ से ही खाएगा। क्या बात कर रही हो तुम? शपथ। पता नहीं ये छोटा वाला है कि बड़ा वाला। निकल ले। हाय भैया, मेरी इज्जत को खतरा है, ये तो पीछे ही पड़ गया। मुझे लड़की समझ के मेरे पीछे पड़ा है, अगर पता चल गया मैं लड़का हूँ तो क्या होगा? ज्यादा तेज चल भी नहीं सकता हूँ, पोल खुल जाएगी, क्या करूँ? कहाँ फंस गया? इससे तो अच्छी अच्छी लड़कियाँ बच नहीं पाती, मेरा क्या होगा? इससे अच्छा तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा रहता। उई माँ, डेड एंड, यहाँ मेरा दी एंड। अगर छोटा भाई निकला तो छेड़ना शुरू करेगा, अगर बड़ा निकला तो धुलाई करेगा। पापा कसम, मुझे देखकर भागा क्यों? मैं तेरे को देख के भागा भागा नहीं हूँ। देख होशियारी नहीं, मुझे देखकर भागा है तू। तूने भाव ज्यादा बताया तो मुझे मछली नहीं खानी, तरकारी खा लूंगा। सुन, या तो तेरा दिमाग पूरी तरह खराब है या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, अब सीधे बता दे वरना मैं तुझे। तूने मुझे पहले नहीं देखा है पर मैंने तुझे देखा है। ड्यूटी खत्म करने के बाद जब मैं टेरिस वाले रूम में कपड़े बदलने आया तो बाहर मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी। इस तरह मुझसे रूठी क्यों? मुझे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो तुम उस लड़की से बहस कर रही हो। नाटक मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गई हूँ। तुम्हारे लिए लड़कियाँ सिर्फ एक खेलने की चीज है, उन्हें इस्तेमाल किया और फेंक दिया। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं, अब जाके मैं तुम्हें सही समझी हूँ। कल सुबह मैं कमिश्नर के ऑफिस जाने वाली हूँ, वहाँ जाकर तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाऊंगी। देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, पुलिस के पास मत जाओ। देखो मेरी बात मानो, पुलिस वाले आके घर से उठा के जेल में डाल देंगे। तुम्हें लगता है कि बाकी लड़कियों की तरह तुम मुझे भी बेवकूफ बना दोगी? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। अब चाहे तुम हाथ जोड़ो या गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कि अब तक जो मैंने देखा वो पुलिस को नहीं बताया और उल्टा तुम पुलिस के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हो। माफ करना, पुलिस के पास जाते तो वो पूछताछ करते, इसीलिए मैं तुम्हें उनके पास जाने के लिए कह रहा था। पूछताछ तो की थी लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। क्यों? अगर मैं पुलिस को कुछ बताता तो बेकार में मुझे थाने के चक्कर लगाने पड़ते और तुम्हारे आदमियों को पता चल जाता तो मेरे हाथ पैर तोड़ देते, इसीलिए मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपनी जिंदगी किसी भी हाल में खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। पहले से ही मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ और अगर मुझे कुछ हो जाता तो गाँव में मेरे परिवार का ख्याल कौन रखता, बताओ तुम? मुझे नहीं पड़ना इस झमेले में। बात करता है, सुनो इधर। अब क्या है? अरे इधर आओ ना। ये तो पीछे ही पड़ गया। ये ले जाओ। मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे पास तो पैसे नहीं है। ए, पैसे वैसे नहीं चाहिए जाओ। वैसे उसी बिल्डिंग में काम करते हो तुम? उस लड़की की मौत के बाद मैंने उस बिल्डिंग में काम करना ही छोड़ा। अब कहाँ काम करते हो? आजकल मेरी ड्यूटी सिनेमैक्स में लगी है। सिनेमैक्स थिएटर? आज काम पर नहीं गए? आज मेरी नाइट ड्यूटी है सर। लो ये भी रखो, ये सब ले जाओ। ए जो मच्छी मांग रहा था दे दो इसे। ए रुको,
ये पैसे रखो, काम आएंगे ये सब। कोई बात नहीं, रख लो, मिलते हैं। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सुब्रमणि। ओए सुबू, एक मिनट। कल शाम को मैं सिनेमैक्स थिएटर आकर तुम्हें 10,000 दे दूंगा। 10,000? हाँ, तुमने कहा था ना तुम्हारे सर पर कर्जा है। हाँ। तो बस उसी के लिए। हाँ। अगर मैं इसे पहले मिला होता तो मेरा सारा कर्ज उतर गया होता। साला खूनी कहीं का। ये क्या कह रहे हो शिवा? खून किया? मुझे तो यकीन नहीं होता। मुझे भी नहीं हुआ था श्वेता, पर मुझे पहले से उस पर शक था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से सच उगल दे। मैं जानता था वो एक बुरा आदमी है, पर वो इतनी नीच हरकत करेगा ऐसा सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। वो अगर मुझे मिल गया ना तो मार मार के उसका खून कर दूंगी। ये सब करने के बाद ऐसे घूम रहा है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसने तुम्हें भी धोखा दिया, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हम पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करेंगे तो उन्हें केस को रीओपन करना पड़ेगा, और मैं ऐसा करने का खतरा नहीं उठा सकता। वैसे भी उस जज ने मुझे पागल करार करने की धमकी दी है, मुझे कुछ और ही सोचना होगा। ए, तो कंप्लेन मैं करती हूँ, इस तरह तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। एक काम करते हैं, उस गार्ड को भी ले चलते हैं। अब तक नहीं आया, उसने तो कहा था कि वो शाम को 10,000 रुपए लेके आने वाला है। रात होने को आई है। अरे सर, 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 मुझे बुलाया? मैं यहाँ हूँ सर। वहीं रहना, मैं क्या करूँ? सर 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 क्या सर, मैं कब से आपका थिएटर के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। आप आए तो आपने मुझे देखा तक नहीं, और आप डायरेक्ट बियर बार में जा रहे हैं। अबे है कौन तू? क्या मैं कौन हूँ? आज आप मुझे पैसे देने वाले थे। पैसे? कैसे पैसे? मैं तुझे पैसे क्यों देने लगा? क्या सर, सागर सोसाइटी, वो लड़की का खून सब बताया तो था मैंने। सोसाइटी? अरे कौन सी लड़की का खून, क्या बात कर रहा है? कल ही तो बताया था और आप इतनी जल्दी भूल गए। मुझे 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 पूरी बात बताना यार। मैंने कल मछली बाजार में आपको सारी बात तो बताई थी। मछली बाजार में तूने सब कुछ बता दिया? हाँ बताया तो था। कितने रुपए देने वाला था? 10,000। अगर 1,00,000 दे दूं तो? 1,00,000? मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा सर। मैं अभी तुझे पैसे दूंगा। ठीक है सर, चल मेरे साथ। चलिए सर। बॉस, बाइक यहाँ पार्क नहीं कर सकते, वहां जाके कर लो। बाइक पार्क नहीं कर रहा, सिक्योरिटी गार्ड सुबू है ना, उससे मिलना था। पर सुबू तो गेट पर ही था। वो तो गेट पर नहीं दिखा, हो सकता वो कहीं गया हो। आप यही इंतजार कीजिए। अब हम क्या करें? नीचे उतर। क्या हुआ सर? लगता है बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं देखता हूं। सर, हमें वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? तू तो जल्दी पहुंच जाएगा, पर मुझे पहुंचने में टाइम है। इसका क्या मतलब हुआ? सर, जब हम दोनों साथ में आए थे तो साथ ही पहुंचेंगे ना, तो फिर मैं वहां जल्दी कैसे पहुंचूंगा सर? साथ आए थे, साथ जाएंगे नहीं। जरा ये पकड़। ठीक है सर। मुझे बहुत देर हो रही है सर, वापस घर भी तो जाना है। लास्ट ट्रेन छूट जाएगा सर। शिवा, बहुत देर हो गई है, हम उसे कल मिल लेंगे ना? हाँ ठीक है। सुनिए, सुबू का फोन नंबर है क्या? हाँ है ना। ये मनोज इसे क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हाँ ये सुबू, मैं तेरे लिए पैसे लेकर आया हूँ, कहाँ है तू? सर वो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। गांव? तू वापस कब लौटेगा? यही एक दो हफ्ते में सर। लेकिन अचानक क्यों जा रहा है? गांव में माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए जा रहा हूँ। मैं आके फोन करता हूँ ना सर। जल्दी आ जाएगा ना? कोशिश करूंगा सर। क्या हुआ शिवा, वो कब वापस आएगा? कभी वापस नहीं आएगा, कह रहा है 1 हफ्ता लग जाएगा।
शिवा, तुम्हारा भाई एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल है। कोई ऐसा वैसा कदम मत उठाना जिससे कि तुम्हारे घर वाले तुम पर से अपना यकीन खो दें। उस गार्ड को वापस आने दो, उसके बाद हम लोग कंप्लेन करेंगे, और तब तक तुम ऐसे बिहेव करना जैसे कि कुछ नहीं हुआ। प्लीज थोड़ा सब्र करो शिवा। कहना आसान है, वो एक बार मेरे हाथ लग जाए मेरे लिए। शिवा मासूम लड़की का खून करके रंगरलियां मना रहे। भैया भैया नहीं नहीं बिजली भी ना ज्यादा ही जाने लगी आजकल, रात को चैन से सोने भी नहीं देती। अरे लेकिन स्ट्रीट लाइट तो जल रही है। अरे इतनी रात गए अशोक के कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? ए मैंने पूछा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? अरे सुनाई नहीं देता क्या? क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों तोड़ दिया? अरे इतनी रात गए, तुम्हें अशोक से क्या काम है? अशोक अशोक कहाँ गया? भैया क्या हुआ? भैया आप दरवाजा तोड़कर अंदर क्यों आ गए? ए, तू सचमुच कुछ नहीं जानता? क्या नहीं जानता भैया, मेरा पेट खराब था, आधे घंटे से बाथरूम के अंदर हूँ। पर आपने ये सब, इतना पसीना क्यों आ रहा? लाइट गई है ना भैया। शिवा इतनी रात गए तू अशोक को परेशान क्यों कर रहा है? ठीक है जाके सो जाइए। जाइए। नहीं पहले मुझे जवाब दे। मुझसे सवाल मत पूछिए, जाके सो जाइए। जाइए। पता नहीं ये लड़का कब पास आएगा। ए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है भैया। और सुन तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर को बुला लेता। नहीं भैया मैं दवाई लेकर ठीक हो जाऊंगा, आप जाइए ना। ठीक है सो जा। ठीक है भैया मैं सोता हूँ, आप जाइए। ये साला तो मेरे रास्ते का कांटा ही बन गया है। डॉक्टर के पास चले जा, पता नहीं ये कांटा कहाँ कहाँ चुभने वाला है। इस जहरीले कांटे को ऐसे ही छोड़ दिया तो शरीर में जहर फैल जाएगा। ए, क्या हुआ रे तेरे को, तू इतना टेंशन में क्यों है? टेंशन की बात कर रहा है? वाट लगा दिया उस पनौती भाई ने, उसे रास्ते से हटा दे। क्या रे, तेरा भाई है वो, कैसी बात कर रहा है तू? उसे ठोक के तेरे को क्या मिलेगा? उसे तुझे क्या, भाषण मत दे, बस इतना बोल कर सकता है या नहीं, वरना मैं ही कर लूंगा। कल रात ट्राई किया था मैंने, बस निकला सर। मुझे नहीं लगता मैं ये काम अकेले कर पाऊंगा, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। सुपारी लेना तुम्हारा काम है, तुम्हारे लिए तो मारना एकदम आसान होगा। उसका मरना बहुत जरूरी है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो वो मुझे मार देगा। फिर मेरे मरने के बाद मेरे फोटो पे एक हार चढ़ाना, सबसे कहना अच्छा आदमी था, बेचारा जल्दी मर गया, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। ए, एक और दे। देख तेरी हटेली है इसलिए तू कुछ भी बके जा रहा है, मुंह पे सोडा मार और ठंडे दिमाग से सोच।
अब अगर और सोचा तो सर फट जाएगा। देख तू आप उनके छोटे भाई जैसा है इसलिए टेंशन नहीं लेने का, कुछ सोचने दे आप। कहाँ रखती है? मिल गए, ये लो, ये हमारे दूसरे घर के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जाकर इसे अपने मामा को दे दे। लक्ष्मी, प्रिया की शादी की पत्रिका कहाँ रखी है जानती हो? हेलो, ए छोटे। कौन बोल रहा है? मुन्ना बोल रहा हूँ, अशोक है क्या? हाँ, एक मिनट देता हूँ, कोई मुन्ना है। बोलिए सर, अशोक बोल रहा हूँ। अबे मुन्ना बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपके केस पे काम चल रहा है, कल आप कोर्ट आ जाइए। ए, दिन में चढ़ा ली? नहीं नहीं सर, फीस कहाँ भागी जा रही है, कल आप 11 बजे करेक्ट टाइम पे पहुँच जाइए, 2:30 बजे तक आपके बेटे को बेल मिल जाएगी सर। हाँ हाँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, आपके बेटे की चिंता छोड़ दीजिए। बोल मुन्ना। सर सर, क्या सर सराट लगा रखी है? अरे मेरे भाई ने फोन उठाया था। अच्छा सुन, तेरे बारे में भाई से बात हो गई है, बोले तो घर में आके लुढ़का दो उसको। बाजू में ही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे चल चल, घर पे मत मारना यार। क्यों बे साले, तेरा भाई के साथ समझौता हो गया क्या? अबे समझौता गया तेल लगाने, वो नहीं मरा तो मैं मर जाऊंगा, और फिलहाल मेरा मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तेरे आदमियों ने गलती से मुझे मार दिया तो? इसीलिए उसे घर में मारना ठीक नहीं है। देख वो थोड़ी देर में बाहर जाने वाला है, उसे रास्ते में ही उड़ा देना। काम खत्म करके मुझे फोन करना, तब तक मैं घर पे ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, समझाना? जो तू बोले। अरे तू अभी तक गया नहीं? अरे जा, तेरे मामा इंतजार कर रहे हैं। पापा, मेरा वहां जाके कोई फायदा नहीं होगा, हो सकता है उन्हें अशोक के साइन की जरूरत पड़ जाए, इसीलिए आप उससे कहिए कि पेपर्स वही ले जाए। हाँ शिवा, बात तो सही कह रहा है, अशोक को ही जाना चाहिए। ठीक है। अरे शिवा, कम से कम बाकी के पेपर्स तो दे दो। गया ना। अरे अशोक यहाँ आओ, तुम्हारे मामा शास्त्री नगर में इंतजार कर रहे हैं, जाकर ये डॉक्यूमेंट्स दे दो। क्या कहा? नहीं नहीं। अरे तुम्हारी साइन की जरूरत पड़ेगी। ये क्या हो गया, अपने बिछाई जाल में मैं ही फंस रहा हूँ। क्या हुआ? पापा, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने खुद ही कैसे जा सकता हूँ? तो क्या हुआ, वैसे भी तेरी साइन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अशोक बेटा, तेरा राम नाम सत्य है। तू तो मेरा राजा बेटा है ना, तू अपने पापा की बात कभी नहीं टालेगा, जा। बाप है या कसाई, मेरी जान लेके छोड़ेगा। ठीक है जाता हूँ। मेरा प्यारा बेटा। जब देखो इमोशनल अत्याचार झाड़ते। कुछ कहा बेटा? कुछ नहीं पापा, आप जाइए ना। लक्ष्मी जरा एक कप चाय बना दो। हेलो। अबे फोन क्यों कर रहा है, मैं तेरे भाई का गेम बजाने जा रहा हूँ। ओके ओके। कहाँ हो? हम उसी का पीछा कर रहे हैं। लेकिन वो तो मेरे रिक्शे के आगे है। ये वो नहीं है, गाड़ी घुमाओ गाड़ी घुमाओ, हम गलत आदमी का पीछा कर रहे हैं। बाकी तो सब ठीक है, मैं सिर्फ बाद में कॉल करता हूँ।
अच्छा राजू, मुन्ना आया क्या वहाँ? वो नहीं आया। नहीं आया? कहाँ गया है? बोल वकील। मुन्ना वहाँ आया क्या? वो नहीं आया। अच्छा राजू, भाई है वहाँ? हाँ भाई तो है यहाँ। सारे तो साइन नहीं करेगा, जमीन तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। इसको भी वहाँ पहुँचा दो, चाहे सत्तार को पहुँचा दो। भाई फोन किसका है? अशोक का है भाई। कौन है ये? जिसने अपने भाई का सुपारी दिया था। हेलो भाई, अशोक बोल रहा हूँ भाई। क्या रे, अब अपनी बाप की सुपारी देगा क्या? नहीं नहीं नहीं। तो फोन क्यों किया बोलना? बात यह है कि मेरा भाई मुन्ना को मारने का प्लान बना रहा है। ए, मुन्ना मुसीबत में है, जाओ पता लगाओ कहाँ है वो, जल्दी करो। मुन्ना आ गया भाई। मेरा वो वकील दोस्त का फोन है, उससे बात करना चाहता है। हेलो। अबे तू है कहाँ? छिप गया था। अच्छा तू अड्डे पे रुक, मैं आता हूँ। आजा। क्या बात है मुन्ना, दो दिन से कहाँ गायब हो गया था? तेरा कोई फोन भी नहीं आया, कोई लफड़े में फंस गया था क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं। वकील के भाई को मारने की सुपारी ली थी तो उसको टपका क्यों नहीं? हाँ आजा। ए मुन्ना, काय को टेंशन ले रहा है, बता क्या हुआ? क्या बताऊं भाई, उस दिन अशोक के भाई को टपकाने गया था, उसको क्या टपका था, उसने इतना मारा कि अभी तक दर्द कर रहा है। गलत आदमी की सुपारी ले ली थी, लेकिन अब तो मैंने सोच लिया है, जिस दिन सामने आया ना बिना सुपारी के मारूंगा। हाथ देखो कैसा सूजे। ए तू क्यों डर रहा है, लोग तो तुझसे डरते हैं। अरे काय का डरते हैं, मैं तो खुद उससे डर गया हूँ। ए मुन्ना, अरे ये देखना यार। अबे साले, ये तो मेरा फोटो है, तू क्या मेरी सुपारी किसी और को देने वाला था? अरे ये मेरे भाई ने बनाई है। क्या बोल रहा है तू? भाई उसको मेरी फोटो मिल गई, अब वो मुझे ढूंढ के मेरे पुकी बनाएगा। समझा रहे इसको, क्या बच्चे जैसा रो रहा है। साले बिना जिगर के कोई भाई नहीं बनता, अगर जिगर है तो सब कुछ है, नहीं तो तू काहे का भाई रे, अब तेरे से कुछ नहीं होगा। ओए इधर आओ। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक ये डरता रहेगा। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसकी लाश चाहिए। जाओ जाओ। भाई इन दोनों का थोपड़ा एकदम सेम टू सेम है, उस दिन हम उसका पीछा कर रहे थे और ये बीच में आ गया। क्या बोल रहा है भाई, हम दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है, उसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे उससे छुटकारा दिलाओ बस। अगर आपके आदमियों की ये हालत की है तो सोचिए कितना डेंजर आदमी है वो। ए मुन्ना तू बताना भाई को, कितना डेंजर आदमी है बताना यार। ये बात है, अच्छा तो डुप्लीकेट का मामला है। ए इधर आ। ए टोपी वाले को कुछ मत करना, बिना टोपी वाले को टपका डालना। चले जाओ चले जाओ 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 चलो, खाली हाथ वापस बताना। ए सुन, टोपी उतारना मत वरना तेरा भी गेम बच सकता है, समझा? ऐसी बातें कर रहे हैं भाई, नहाते वक्त भी नहीं उतारूंगा, चलता हूँ भाई। ए मुन्ना चलता हूँ। यहाँ के तुम्हें धूप लग रही है जो टोपी पहनी हुई है। छोड़ छोड़, कितनी बार का टोपी को हाथ मत लगा, अगली बार टोपी को छुआ ना बहुत मारूंगा। माँ, हाँ बेटा, देखो ना प्रिया ने सिर्फ टोपी निकाली, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? तुम क्यों छुपी उसकी चीजों को? इनको क्या बताऊँ, इस टोपी में मेरी जिंदगी कैद है। ए तुम जानते हो ये कौन है? अरे ये तो वीरा का भाई है, इसका स्केच तेरे पास क्यों है? अरे भाई इसको जल्दी पैक करके रख। एक बार वो मेरे हाथ तो लग जाए। ए, मार, मार इसे। ए, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक। पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। अभी टुकड़े हो जाते, टोपी पहन के बैठ नहीं सकता, दिमाग खराब कर दिया। बहुत शौक है तेरे को मरने का, बेवकूफ कहीं का। मेरा एक केस है। हार में गया तेरा केस, अबे साले तेरे को मार देता तो मेरा केस लड़ने कौन जाता? तेरा बाप। चल चल साथ में चल। ए चलो रे सब लोग, चल बैठ कर एक बॉटल मारते हैं, मेरा तो दिमाग ही हट गया, मेरा भाई बहुत टेंशन दे रहा है। चल चल आराम से बैठ यार, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। चल चले चल।
आपके भाई का क्या हुआ रे मुन्ना? उसका गेम बजाया कि नहीं? अपने छोकरे लोग ढूंढ रहे भाई, आज उसका काम हो जाएगा। इसका ही गेम बजने वाला था भाई, बगैर टोपी के बैठा था, बस लुढ़काने वाला था। साला बेवकूफ है, टोपी पहन ली, नहीं तो इसका ही काम हो जाता आज। भाई मुंह पे पानी मार के आता है अपन, चल ले। ए, आगे से टोपी का ध्यान रखना। हाँ भाई, हाँ भाई, चल। साला खाया पिया कुछ नहीं, गले पड़ गई, फोन कर करके दिमाग खा रही है। तू तो अपने आप को रोमियो बोलता ना, अभी तू ही इसका कोई रास्ता निकाल, नहीं तो मेरे दिमाग में गहने तो ठोक देगा। भाई के सामने बात नहीं कर पा रहा था इसीलिए तेरे को यहाँ लाया, वरना भाई उसको उठवा लेते, ये लड़कियों के चक्कर में पड़ने का ही नहीं। चल कहीं जाके बैठते, चल। मुन्ना का अब तक फोन नहीं आया, पता नहीं कहाँ। शीला इसलिए भड़की क्योंकि मैं मुन्नी को भाव दे रहा हूं। अब ये शीला और मुन्नी के चक्कर में मेरी जवानी ढलती जा रही है। दिमाग की बत्ती खोल, छुटकारा दिला से। मैं तुझे मदद के लिए बुलाया हूं और तू साले मुंह लटका कर बैठा है। तेरे भाई का टेंशन मत ले, उसका काम तो हो ही जाएगा। हेलो, हरीश बोल रहा हूं रे। हरीश क्या हुआ यार? यार चिंकी दो दिन के लिए आई है और कब से रट लगा के रखी है कि तुझसे अभी मिलना है। चिंकी आई है, मुझसे अभी मिलना चाहती है? हाँ, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। कहाँ होगी इस वक्त? मेरा भाई तो अब तक मर गया होगा ना। ए, तेरे भाई को मेरा भाई संभाल लेगा, तू मुन्नी और शिला के बारे में सोच। मेरे से दोनों संभाली नहीं जा रही है, तू संभाल एक को। अगर कुछ भी लफड़ा हुआ ना तो मैं संभाल लूंगा, और तू तो वैसे भी वकील है। उसे मारने कितने लोग गए? एक या दो नहीं, पूरा ट्रक भर कर गया है। क्या हुआ? मेरी लाल टोपी कहाँ है? बजा बजा फिर बजा, वही दोनों में से एक का होएगा। इतने जल्दी पता रहा है साले? ए सुनना, आज मेरा भाई मेरी टोपी पहन के गया है, वो मिले तो छोड़ना मत उसे। यार यहाँ तो मेरी फटी पड़ी है। वहाँ तेरी फट रही है, यहाँ मेरी। बस एक बार उसे खत्म कर दे, फिर तू और मैं ऐश करेंगे। ठीक है, फोन रख। क्या हुआ, एसी में भी पसीने छूट रहे हैं? ज्यादा चढ़ गई है ना। कहो तो मैं उतार दूं। मुझे बाथरूम जाना है। नहीं गए तो नहीं चलेगा, जाने तो नहीं तो यही छूट जाएगी। क्या हुआ? मारेगा नहीं मुझे, चल मारना। चल।
हमने अशोक को लाल टोपी दी ताकि हम उसे पहचान सके। तो उस कमीने को वो टोपी तुम लोगों ने दी, इसीलिए मेरे बहन के टोपी निकालने पर उसे इतना गुस्सा आया। साला अब तक जिंदा है, ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? हेलो भैया। हेलो भैया, बताइए ना क्या हुआ? अशोक, मुन्ना बोल रहा हूँ। अरे मुन्ना, तूने मेरे भाई को टपका दिया, बताना बताना काम हो गया ना? बोलना यार। काम हो गया? अरे इतनी अच्छी खबर सुना रहा, जरा हंस के सुनाना, इतना दुखी क्यों हो रहा है तू? मैंने उसे मार दिया। पक्का ना? यकीन नहीं हो रहा है। अरे तेरे पे पूरा यकीन है? है कहाँ तू अभी? मैं पावर स्टेशन वाली बिल्डिंग से बोल रहा हूँ। तू यहाँ जल्दी आ जा। मैं दो मिनट में पहुंच रहा हूँ, दो मिनट में। मर गया कमीना। मुन्ना, मुन्ना, कहाँ गया यार? ए मुन्ना, मर गया क्या साला? कमीने, मुझे मारना चाहता था ना तू? अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। हे, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था? लड़कियों के साथ हंसते खेलते जिंदगी बिता रहा था, उसमें से एक मर गई। क्या नाम था? गायत्री। गायत्री, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्या एक्टिंग की थी मैंने, उसी के नाम की माला जपता रहता, पागल। ए, उस दो कौड़ी की लड़की के लिए तू मुझे मारना चाहता था? मुझे? तूने सोचा होगा सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा। कुत्ते की मौत मारा गया ना? लेकिन अच्छा ही हुआ, अब मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। अरे हाँ, तेरी अर्थी उठाकर भैया मुझे छोड़कर क्यों चले गए? नाटक करना पड़ेगा। ए, असली प्यार नहीं है, लेकिन बाप को बेवकूफ बनाना पड़ेगा ना। ए, खूनी कहीं के, तूने अपने ही सगे भाई को मार दिया। आप यहाँ क्यों आ गए? ये करते हुए तुझे शर्म नहीं है? क्या मुश्किल से इसको मरवा दिया? अरे तू तो मर गया था ना। मैं क्यों भाग रहा हूं? अब तुम दोनों को मेरी सच्चाई पता चली गई है ना, तो भागने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आना। ए, मार। तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूं? ओए, रुको रुको। भाई, मुन्ना से बात करते वक्त मुझे शक हो गया था, इसीलिए आपको फोन करके बुलाया। किसी ने मुन्ना को मार दिया है। साले, मुन्ना कहाँ है? कहाँ है मुन्ना? क्या क्या उसके साथ? बोलना साले, कहाँ है मुन्ना? चल मारो। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मुझसे तेरी हालत भी नहीं देखी जाती। अशोक, मैं तुझे अच्छा इंसान बनाना चाहता था, लेकिन आज तेरी हरकतों की वजह से तू जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। Oh,
इसे अपने किए की सजा मिल गई। किसी और की उगाई हुई सब्जी को मैं देखकर पहचान लेता हूँ कि वो ताजी है या सड़ी हुई, लेकिन मैं अपनी ही औलाद को नहीं पहचान पाया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा।